गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग IBPS RRB असिस्टेंट मेंस के एग्ज़ाम का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और ये जो एक्सप्लेनेशन है, आप इसमें मेनली फोकस ये कीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए गए हैं, किस तरीके से अप्रोच डेवलप किया गया है और किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम द रीजनिंग सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज PQRST वर्किंग पुलिस डिपार्टमेंट। क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये एक पजल है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको कभी एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के साथ अगर क्वेश्चन की शुरुआत अगर होती है तो आप उसको स्कीप कीजिए और पहले ये देखिए कि आप जो सिंपल टॉपिक्स है, जैसे इनइक्वलिटी हो गया, सिलॉजम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन, इनके साथ शुरू करने की कोशिश करें ताकि आप पहले अपनी स्पीड गेन कर ले, देन आप जब मोमेंटम आ जाएगा तब इन क्वेश्चन को थोड़ा हाथ लगाए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है पजल हमें दिखाई दे रहा है, छह लोग हैं PQRST NU वर्किंग पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, और डिफरेंट पोस्ट SP DCP एंड PI। ओके, तीन पोस्ट यहाँ पे दी गई है। SP इज द सीनियर मोस्ट, PI इज द जूनियर मोस्ट। तो मैं लिख देता हूँ, एक SP है, उसके बाद एक DCP है, देन आफ्टर DCP वी हैव PI। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास तीन पोस्ट है और तीन पोस्ट में छह लोग काम कर रहे हैं। तो हम नॉर्मली सोचते हैं कि छह लोग है, तीन पोस्ट है, तो दो 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 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है SP ये सीनियर मोस्ट है और सबसे जूनियर PI है। ठीक है, अब और क्या लिखा गया है, द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन एनी पोस्ट इज इक्वल टू 1 लेस दैन द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इमीडिएटली इट्स लोअर पोस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, 1 लेस। इसको देखिएगा कि किसी भी पोस्ट पे जो काम करता है, ठीक है, अब ये मैं अगर आपको ऐसे समझाऊंगा, किसी भी पोस्ट पे जो काम करता है वो उसके एकदम उसके इमीडिएट लोअर पोस्ट के 1 लेस दैन, तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, ऐसा सोचना भी नहीं है। आप इसको इस तरीके से सोचिएगा, नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन एनी पोस्ट, एनी पोस्ट मतलब चलो SP ले लेते इस तरीके से, तो एक SP है, ठीक है, SP ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू ले लीजिएगा। ठीक है, 1 लेस बोला है तो -1 ले लीजिएगा। देन नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इज इमीडिएट लोअर पोस्ट, इसका SP का इमीडिएट लोअर कौन है, DCP है, तो यहाँ पे DCP लिख दीजिएगा। जैसे आप DCP लिख देंगे आपके सामने की इक्वेशन बन जाएगा, SP = DCP - 1। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ 2 - 1 = 1, मतलब अगर दो लोग अगर DCP है तो एक SP है। अगर मैं इसमें थोड़ी बड़ी वैल्यू रखता हूँ 3 - 1 = 2, अगर तीन लोग अगर DCP है तो दो लोग SP है, तो इस तरीके से हमें मैनेज करना है। ठीक है, अब ये DCP और SP के साथ ही नहीं होगा, तो ये DCP और PI के साथ भी होगा। ठीक है, मतलब हमें ये भी समझना है कि DCP जो है उस पर कितने लोग काम कर रहे हैं, तो इसके इमीडिएट मतलब PI - 1, दैट इज इसमें भी आप वैल्यू रख दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि अगर दो लोग अगर PI है तो PI - 1 = 1 जो है DCP है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से आपको मैनेज करना है कि ये पूरे छह लोग यहाँ पे इस तरीके से मैनेज हो जाना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है और इसमें डायरेक्ट आप अप्रोच लगा सकते हैं, ये बिना भी किए, ये सिर्फ मैं आपको उस सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, डायरेक्ट आप वहाँ पे अप्रोच लगा सकते हैं। आप समझिए, अगर दो लोग PI है तो एक DCP होगा और 0 SP होगा, तो क्या इनकी एडिशन 6 आ रही क्या, नहीं आ रही, मतलब मैंने जो अप्रोच लगाया ये बराबर नहीं है, मुझे अगला अप्रोच लगाना पड़ेगा, एक नंबर से बढ़ा दो। अगर तीन PI है तो 2 DCP है और 1 SP, इनका एडिशन करो 1 + 2 + 3, दैट इज इक्वल टू 6। तो अब ये बिल्कुल सही है, मतलब 1 SP होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद 2 DCP होने चाहिए और उसके बाद 3 जो है वो PI होने चाहिए। ठीक है, 1 SP, 2 DCP और 3 PI। तो ये देखिए, ये मेरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। ठीक है, ये सब सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ये सब आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस। चलिए, अभी क्या बोलता है, द सीनियर मोस्ट पर्सन गेट सैलरी मोर सैलरी देन इट्स इमीडिएट लोअर। ऑब्वियसली वो तो हो गई कि इसकी सैलरी सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम और इसकी उससे भी कम। आर गेट्स मोर सैलरी देन एस। ओके, आर की सैलरी ज्यादा है एस से। अब ये याद वाद रखना नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा जैसे अभी मैं लिख रहा हूं,
आर गेट्स मोर सैलरी देन एस, डायरेक्ट लिख दीजिए, देन टी गेट्स लेस सैलरी देन क्यू, ये कैसे लिखना है देखिएगा, टी लेस देन क्यू, पी सीनियर टू टी एन यू, पी सीनियर टू टी एंड यू, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। पी जो है टी यू इन दोनों से सीनियर है, लेकिन ये टी और यू का आपस में क्या रिलेशन है वो हमें नहीं पता। आर इज सीनियर टू यू बाय ओनली 10,000, अब कितने पैसे से सीनियर है वो जाने दीजिए, पहले ये देखिएगा आर इज सीनियर टू यू है ना, तो वो लिख दीजिए आर इज सीनियर टू यू, तो यहाँ पे मैं एक यू भी ऐड कर देता हूँ, आर जो है वो सीनियर है यू से। क्यू डिड नॉट गेट द हाइएस्ट सैलरी बट वन, अब ये क्या होता है हाइएस्ट सैलरी बट वन, तो देखिएगा ये रहती है हाइएस्ट सैलरी इस इंसान की, और इस इंसान की सैलरी रहेगी हाइएस्ट बट वन, इस इंसान की सैलरी को बोला जाएगा हाइएस्ट बट सेकंड। फिर से एक बार बताता हूँ, ये हाइएस्ट है हाइएस्ट बट वन, तो हाइएस्ट वन क्या है, क्यू इज डिड नॉट गेट द हाइएस्ट सैलरी बट वन, ये होता है हाइएस्ट बट वन, और ये जो भी है ये क्यू नहीं है, क्यू डिड नॉट गेट मतलब ये वाला इंसान जो भी रहेगा ये क्यू नहीं रहेगा, मैंने इसको कट करके रख दिया, ठीक है। वी हैव ऑल द कंडीशंस डन, ये एक ऑर्डर सीक्वेंस का पजल है, अब क्या करना है, अब बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, मैं आपको यहीं पे बता सकता हूँ यहाँ पे क्या करना है आपको, ये कंडीशन को देखिएगा थोड़ा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, देखिएगा इसको देखिए क्यू और टी को, यहाँ पे तो क्यू आता नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं क्यू लूँगा तो टी कहाँ रखूँगा, तो इसलिए मुझे ऑब्वियसली क्यू यहीं पे लेना पड़ेगा, तो मुझे क्यू तो मिल गया राइट, और यहाँ पे एक ही इंसान की जगह है जो कि मैंने फुलफिल कर दिए, यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे तीन लोग और बाकी है। अब क्यू के बाद टी का नंबर कहाँ लगेगा ये मुझे नहीं पता, एक तो डीसी पे में भी लग सकता है या फिर पीआई में भी लग सकता है, या तो डीसी पे में लग सकता है या तो फिर पीआई में लग सकता है, तो अभी ये मेरे काम की नहीं है। अब आप लेकिन एक और चीज देखिए, टी से बड़ा पी है, अब आप इस कंडीशन को अच्छे से देखिएगा, टी से बड़ा पी है मतलब टी यहाँ नहीं आएगा, टी इधर आएगा, और T से बड़ा P यही पे आएगा क्योंकि यहां पे तो जगह नहीं है, ठीक है। अब ये कंडीशन हमारी खत्म हो गई, अब T से बड़ा P हमने यहां पे लिख दिया, लेकिन U जो है वो यहां पे भी हो सकता है यहां पे भी हो सकता है, अब आप जो भी सोचेंगे, आप अगर इधर अगर सोचते हो तो आप देखिए R जो है S और U से बड़ा है, मतलब S और U इधर होने चाहिए और R इधर होना चाहिए, क्योंकि इधर कोई जगह नहीं है, हमारा पजल खत्म हो गया, इतना सिंपल था, इट इज सो सिंपल, ठीक है। तो हाउ मेनी पर्सन्स गॉट सैलरी मोर देन 10,000, 10,000 से ज्यादा सैलरी किसको, अब 10,000 कहाँ है, ये हमें 10,000 दिख रहा है, किसकी सैलरी है 10,000, तो R इज सीनियर टू यू बाय 10,000, मतलब सैलरी का डिफरेंस है ये, किसी की सैलरी नहीं है, सैलरी का डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस 10,000 है, तो इसने पूछा है कि कितने लोगों की सैलरी 10,000 से ज्यादा है, अभी हमें क्या पता, हो सकता है इसकी भी सैलरी लाख रुपए हो, इसकी 1,10,000 हो, या फिर इसकी लाख इसकी एक, तो हमें किसी की सैलरी नहीं पता, तो इसलिए 10,000 के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकेंगे। हु गॉट सैलरी मोर देन आर, ठीक है, आर से ज्यादा सैलरी सिर्फ क्यू को मिली है, क्यू लिख देंगे, एंड हु वर्क्स ऑन द पोस्ट ऑफ डीसीपी, अब यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, हु वर्क्स ऑन द पोस्ट ऑफ डीसीपी, डीसीपी में पी और आर दोनों हैं और मुझे कहीं पे भी पी और आर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आर मार्क करूंगा, वैसे भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हु वर्क्स बोला है, मतलब किसी एक इंसान की बात पूछ रहा है वो, कि कौन एक अकेला इंसान है जो डीसीपी के पोस्ट पे काम करता है, तो ऑब्वियसली आर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन, दिस इज सिलोजम, तो हम सिलोजम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले स्टेटमेंट मार्क करेंगे, एकदम ऐसे काम नहीं करना, आई हैव मेनी टाइम्स टोल्ड यू, कभी कभी फॉलो डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमेशा पहले डायरेक्शन पढ़ना चाहिए, डायरेक्शन क्या लिखा है डायरेक्शन में, लॉजिकली फॉलोज, हाँ अब आप आगे बढ़ सकते हो, सिंपल सिलोजम है इसका मतलब, चलिएगा। ओनली फ्यू कोट्स आर कॉइन, ठीक है, अब ये ओनली छोड़ दीजिए, पहले फ्यू मतलब सम कोट्स आर कॉइन ड्रॉ कर लीजिए, तो ये हो गया सम कोट्स, और ये सम कोट्स क्या है, कॉइन है, ठीक है, सम कोट्स आर कॉइन्स,
ठीक है। अब ये सम कोट्स आर कॉइन हो गया, ओनली फ्यू कोट्स आर कॉइन का मतलब क्या होता है कि कुछ कोट तो कॉइन है लेकिन बाकी के बचे हुए कुछ ऐसे भी कोट होने चाहिए जो कॉइन नहीं है। नहीं है मतलब एग्जैक्टली नहीं है वाले बात नहीं, इनमें निगेटिव रिलेशन भी है, मतलब पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। सम एंड सम नॉट का मतलब होता है ओनली फ्यू। तो सम मैंने यहां पे ड्रॉ किया है और सम नॉट यहां पे ड्रॉ किया है, ठीक है। आगे लिखा है सम नोट्स आर कॉइन, कुछ नोट जो है वो कॉइन है, तो यहां पे आएंगे नोट। नाउ यू कैन सी सम नोट आर कॉइन, ये आपको सम दिखाई दे रहा है। लास्ट है नो कॉइन इज बॉक्स, कोई भी जो कॉइन है वो बॉक्स नहीं है, लेकिन आप उसको ऐसे मत पढ़िएगा, बेटर वे इसको ऐसे पढ़िएगा कि कॉइन और बॉक्स के बीच में एक निगेटिव रिलेशन है। द डायग्राम इज ओवर, नाउ लेट्स टेक कंक्लूजन। सम कोट आर नॉट बॉक्स, सम ये कोट है, ठीक है, ये है सम, ये कोट है। सम कोट आर नॉट बॉक्स बोला है, तो आपको ये देखना है कि सम कोट का निगेटिव रिलेशन बॉक्स के साथ है क्या। आप चेक करेंगे कोट, ये हो गया सम कोट, सम कोट जो कॉइन के अंदर है उसका निगेटिव रिलेशन बॉक्स के साथ ऑलरेडी है, तो यहां पे हम राइट करेंगे, ठीक है। नहीं है क्या वो नहीं पूछा है, निगेटिव रिलेशन है क्या पूछा है। वापस से मैं बताता हूं, सम कोट और बॉक्स के बीच में एक निगेटिव डेफिनेट निगेटिव रिलेशन है क्या, तो ये कोट हो गया, ये हो गया सम कोट जो कॉइन के अंदर है, इसका निगेटिव रिलेशन डेफिनेटली बॉक्स के साथ दिया है, तो ये कंक्लूजन राइट होगा। सम बॉक्स आर नॉट नोट, अब आप क्या चेक करेंगे सम बॉक्स का निगेटिव रिलेशन नोट के साथ है क्या। ये है नॉट मतलब निगेटिव रिलेशन, सम बॉक्स का नोट के साथ, तो ये सम बॉक्स और इसका नोट के साथ कोई भी मुझे डायरेक्टली रिलेशन नहीं मिलता। अब आप बोलेंगे सर इधर क्यों नहीं चेक कर रहे, नहीं ये कॉइन है या फिर सम नोट हो सकता है, नोट इधर है, तो नोट का डायरेक्ट कोई बॉक्स के साथ ऐसी कोई डायरेक्ट निगेटिव रिलेशन जैसे ऐसा निगेटिव रिलेशन ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है डायग्राम में, इसलिए मैं ये जो है कंक्लूजन इसको रॉन्ग करूंगा। इस तरीके से मेरा जो है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनली करंट्स आर लाइन, ये कैसे समझते हैं। इस लाइन को कभी भी ड्रॉ करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक पहले बता देता हूं, यहां पे लिख दीजिए ऑल और इसको उल्टा पढ़िएगा, ऑल लाइन आर करंट, तो ऑल लाइन आर करंट देख लीजिएगा, ऑल लाइन आर करंट मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो क्या करना है आपको मैं फिर से बताता हूं, ऑल लाइन आर करंट ऐसे उल्टा पढ़िएगा जब ओनली लिखा रहता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको जस्टिफाई करके बताता हूं कि ये क्या इसका मतलब होता है। देखिएगा ओनली करंट आर लाइन मतलब सिर्फ करंट ही लाइन है और कोई दूसरा लाइन नहीं हो सकता, सिर्फ करंट ही लाइन होंगे और कोई दूसरा लाइन नहीं हो सकता। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा, और कोई दूसरा लाइन नहीं हो सकता, इसलिए मुझे लाइन जो है वो एक्सक्लूसिवली निगेटिव करके रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि लाइन का पूरे दुनिया से निगेटिव रिलेशन है, ठीक है। किस तरीके से कि ओनली करंट्स आर लाइन का मतलब ये होगा कि सिर्फ करंट ही लाइन है और कोई भी लाइन नहीं होगा, लाइन और कोई भी दूसरा नहीं होगा, सबके साथ उसका निगेटिव रिलेशन रहेगा, इसका ये मतलब होता है पूरे इस लाइन का। चलो आगे बढ़ते हैं, सम करंट आर बल्ब, कुछ करंट जो है वो बल्ब है, ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या बोलता है, नो लाइन इज बल्ब, तो नो लाइन इज बल्ब मतलब लाइन और बल्ब का निगेटिव रिलेशन है क्या। तो आप देखेंगे लाइन और बल्ब का निगेटिव रिलेशन ऑब्वियसली वो है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे निगेटिव लाइन दिख नहीं रही है, यही तो फायदा होता है ये चीज ओनली में पूछने का कि दिखता नहीं है आपको और आपको लगता है सर यहाँ पे निगेटिव रिलेशन नहीं है, आप उसको जो है रॉन्ग कर देते हो, जबकि ये जो है ये राइट है। कैसे क्या देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, लाइन और बल्ब का यहाँ पे निगेटिव रिलेशन है और ये इस तरीके से है कि ओनली करंट्स आर लाइन मतलब सिर्फ करंट ही लाइन हो सकता है और कोई भी दूसरा लाइन नहीं होगा, और कोई भी दूसरा मतलब ये बल्ब भी जो है ये लाइन नहीं होगा, तो इनमें निगेटिव रिलेशन एक कन्फर्म है जो कि मैंने मार्क किया है। देन सम लाइन आर बल्ब, क्या बल्ब और लाइन का कोई सम पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं दिख रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा।
और इसलिए इसका भी जवाब ओनली कंक्लूजन वन सही होगा। कुछ लोगों ने क्या किया होगा मैं आपको श्योरली बताता हूँ, कुछ लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया होगा और ये नो और सम का इधर और का पेयर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम इधर और मार्क कर दिया होगा, जो कि गलत जवाब होता है। ट्रिकी क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं। चलिए ऑल क्लियर आर ट्रुथ, चलो लिख देते हैं ऑल क्लियर, ये है क्लियर, पूरा का पूरा जो क्लियर है वो क्या है ट्रुथ है। ऑल क्लियर आर ट्रुथ, ओनली फ्यू ट्रस्ट आर लाइन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहां पे ट्रुथ लिखा है और यहां पे ट्रस्ट लिखा है, ये दोनों अलग अलग बातें है, तो ये ट्रुथ है और ट्रस्ट मुझे अलग से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे मैं ड्रॉ करूंगा, ये ट्रस्ट आर लाइज, ओके ट्रस्ट आर लाइज, तो सबसे पहले तो मैं ट्रस्ट ड्रॉ करता हूं, ये है ट्रस्ट, ट्रस्ट है ये, ठीक है, फ्यू ट्रस्ट आर लाइज, ठीक है, एंड फ्यू ट्रस्ट आर नॉट लाइज, राइट, ये हो गया ओनली फ्यू ट्रस्ट आर लाइज। इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ओनली फ्यू कैसे किया जाता है, तो फ्यू ट्रस्ट आर लाइज पहले ड्रॉ कर लीजिए और फिर ओनली फ्यू मतलब सिर्फ थोड़े से ही है, तो बाकी बचे हुए जो कुछ एक पार्ट है उसका निगेटिव रिलेशन आपको ड्रॉ करके बताना है लाइज के साथ। इसका मतलब ये होता है कि ये लाइस का, पूरे लाइस का निगेटिव रिलेशन ये कुछ ट्रस्ट के साथ है, ठीक है, ओके। अब आप देखिएगा ये डायग्राम अलग है, ये डायग्राम अलग है, ओके। अब कंक्लूजन क्या पूछा है, सम ट्रस्ट सम लाइज आर ट्रुथ, ओके ट्रुथ बोला है, ये लाइज ये वाला ट्रुथ है क्या, ठीक है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड आगे बोला है नो लाइज इज ट्रुथ, इसका मतलब लाइज और ट्रुथ, अगेन ट्रुथ, लाइज और ट्रुथ, इनके बीच में कोई डायरेक्ट निगेटिव रिलेशन है क्या, तो आप देखेंगे इनके बीच में कोई डायरेक्ट निगेटिव रिलेशन नहीं है, तो यहां पे दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं। और एज आई हैव टोल्ड यू, जब दोनों कंक्लूजन आपके कभी भी रॉन्ग आए तो इधर और होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इधर और को हमेशा चेक किया जाता है किस तरीके से, पहला तो आपको मैं बता देता हूं दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, ये पहला चेक पॉइंट हो गया। दूसरा चेक पॉइंट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम, ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम, आप देख लीजिएगा लाइज लाइज ट्रुथ ट्रुथ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गए। और तीसरा होता है वन पेयर ऑफ इधर और, तो पेयर ऑफ इधर और होते हैं नो सम, दूसरा होता है सम नॉट सम, और तीसरा होता है सम नॉट ऑल, इन तीन में से कोई तो भी एक पेयर चाहिए, तो हमारे पास कौन सा है, नो सम का पेयर ऑलरेडी है, मतलब ये वाली कंडीशन एग्री, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है क्या, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों में ट्रूथ लाइज है, चलो ये भी सेम है, एंड दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, मतलब हमें गलत दिखने चाहिए, बिल्कुल पूरी जो इधर और की कंडीशन है वो मैनेज हो गई, इसलिए इसका सही जवाब इधर और होगा। ठीक है, अब मुझे पता है आपको ये इधर और ऑलरेडी भी आता होगा, बट उसके बावजूद अगर आप ये ट्रुथ और ट्रस्ट इनमें अगर गड़बड़ अगर कर दी आपने, तो आपके जवाब इधर और नहीं आएंगे, आपको गलत ही कुछ जवाब इसका मिलने वाला है, ओके, तो बी केयरफुल व्हेन यू आर इन एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओनली ड्रॉप्स आर वाटर, अगेन आई हैव टोल्ड यू, अभी मैंने बताया ऑल लिख दीजिए और उल्टा ड्रॉ कीजिएगा जब ओनली रहता है, तो ऑल वाटर आर ड्रॉप्स, ऑल वाटर आर ड्रॉप्स, तो ये हो गए ऑल वाटर, और ये ऑल वाटर क्या है, ड्रॉप्स है। अब जैसे मैंने आपको कहा इसका मतलब होता है कि सिर्फ ड्रॉप ही वाटर है, सिर्फ ड्रॉप ही वाटर है और कुछ भी वाटर नहीं होगा, तो मतलब वाटर का पूरी दुनिया के साथ निगेटिव रिलेशन है, जो कि मैं इस तरीके से बताता हूँ। ठीक है, ये काटे काटे लगे हैं तो ये किसी में जाएंगे नहीं, ठीक है, नो वन कैन टच दिस वाटर, ओके, ओनली फ्यू ड्रॉप्स आर रिवर, ठीक है, ड्रॉप्स है तो फ्यू ड्रॉप्स आर, पहले रिवर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गए फ्यू ड्रॉप्स आर रिवर, और ओनली फ्यू ड्रॉप्स,
सिर्फ थोड़े से ही ऐसे ड्रॉप्स है जो रिवर है, बाकी के बचे हुए कुछ ड्रॉप्स रिवर नहीं भी है, मतलब निगेटिव रिलेशन उनके बीच में है. ओके, माई डायग्राम इज रेडी. ओके, नाउ वी टेक कंक्लूजन. ऑल ड्रॉप बींग इज पॉसिबिलिटी समथिंग. पॉसिबिलिटी में क्या करना है, ऑल ड्रॉप सब्जेक्ट को उठा के प्रेडिकेट में डाल देना है. ऑल ड्रॉप रिवर में डाल दो. चलो कैसे डालेंगे, ऑल ड्रॉप को उठा के रिवर में डाल दो. अब ऑल ड्रॉप जब रिवर में जाएगा तो ये वाटर को भी लेके जाएगा, और ये तो कहीं आने से रहा, ये तो बोल रहा मैं बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगा, मुझसे दूर रहना. मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, निगेटिव रिलेशन एक है, तो इसलिए पूरा का पूरा इसमें नहीं जा सकता, इसलिए ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है. फिर से नीचे पॉसिबिलिटी है. अब क्या करना है, पूरे रिवर को उठा के ड्रॉप में डाल दो. चलो पूरा रिवर ड्रॉप में आता है क्या, हाँ आता है, इससे दूर रहेगा नहीं, ये जो निगेटिव है इससे दूर रहेगा, इधर आ सकता है ना ये वाले पार्ट में, ठीक है, तो ये पूरा रिवर ड्रॉप में आ सकता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी. इसलिए यहाँ पे अपना कंक्लूजन सेकंड फॉलो हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, इट इज फैमिली थ्री जनरेशन ब्लड रिलेशन सिटिंग सर्कल. इट मीन्स इट इज सिटिंग अरेंजमेंट विथ ब्लड रिलेशन. क्लास ये जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पिछला जो एडीओ मेंस था उससे काफ़ी प्रेरित है, और ये भी क्वेश्चन उसी के जैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है रखा गया है, क्योंकि उसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट विथ ब्लड रिलेशन आया था. तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कैसा है. छः लोग हैं फैमिली में, थ्री जनरेशन से बिलोंग करते. ये पहला आपका इनपुट हो गया क्लास, थ्री जी तीन जनरेशन है, ठीक है. सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग इनसाइड. ओके, डब्ल्यू सीट सेकंड टू राइट ऑफ वाइफ ऑफ है. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसमें से ब्लड रिलेशन पूरा निचोड़ के निकालना है आपको, पूरा निचोड़ के ब्लड रिलेशन निकालिए, तभी आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आप बना पाएंगे. तो सबसे पहले मुझे ब्लड रिलेशन में दिखाई दे रहा है वाइफ ऑफ ए, ए की वाइफ कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, बहुत सिंपल है. ए की वाइफ ड्रॉ करने के लिए मुझे एक ए लेना पड़ेगा मेल, और तब जाके उसकी बनेगी एक वाइफ. मुझे वाइफ का नाम पता नहीं है, बट ए की वाइफ के सेकंड राइट में डब्ल्यू बैठता, तो ये जो भी होगी ये कभी भी डब्ल्यू नहीं हो सकती है, इस बात को समझिएगा. इस तरीके से ट्रिक आप डेवलप कर लीजिए. वन ऑफ सन्स ऑफ एफ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सन्स ऑफ एफ बोला है, सन ऑफ नहीं, सन्स ऑफ एफ, मतलब कम से कम दो लड़के तो एफ को होने चाहिए. तो एक एफ ले लेता हूँ, एफ के दो लड़के मैं कंसीडर कर लेता हूँ, भाई भाई ये दोनों. इसमें से एक की शादी क्यू के साथ हुई है, तो मैं ये राइट वाले की शादी क्यू के साथ करवा देता हूँ, ये पसंद होगा उसको. नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल. ओके, मेल और फीमेल, तो मतलब मेल तीन है और फीमेल भी तीन है. चलिए इसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, तभी दिया होगा. मुझे ए नाम का एक मेल दिख रहा है, क्यू नाम की एक फीमेल दिख रही है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता. जब पता चलेगा तो मैं आगे भी लिख दूंगा. चलिएगा, सी सिबलिंग ऑफ आर, ये मैं कहाँ लिखूँ मुझे नहीं पता. वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आ रहा चाहिए, लेकिन अगर नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं इसको अलग से बाजू में लिख देता हूँ, सी सिबलिंग ऑफ आर. आगे क्या बोलता है, बोथ द नेबर्स ऑफ सी आर नॉट मेल, वो बाद में देखेंगे. सी हैज अ डॉटर, सी की एक डॉटर है. सी एन एफ सीट अपोजिट, वो बाद में देखेंगे. डब्ल्यू इज फीमेल, डन, डब्ल्यू एक फीमेल है. चलो आगे क्या बोलता है, क्यू सिट्स क्लोज टू अवर फादर इन लॉ, क्यू के एक फादर इन लॉ. क्यू के फादर इन लॉ मुझे पता ही नहीं, इसको थोड़ा पेंडिंग रखता हूँ मैं, क्योंकि एक फादर इन लॉ होने चाहिए. ए इज फादर ऑफ आर, अब ये ए जो है वो फादर है आर के, अब ये ए फादर है आर के और आर यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये मुझे जोड़ना पड़ेगा. चलो डन, कपल्स आर सिटिंग टुगेदर, दैट्स ऑल, खत्म हो गया. अब पहले क्या करना है, पहले इसको जोड़ लीजिए. कैसे जोड़ेंगे हम, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो सिबलिंग मुझे और कोई नहीं दिख रहे, तो सी आर ऐसे ही जोड़ दीजिएगा. लेकिन आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे, इधर आर लिखेंगे. हमें थोड़ी पता है कि क्यू की शादी सी के साथ हुई है कि आर के साथ, तो इसको जोड़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. बट जो भी है, उन दोनों के फादर ए है, तो फादर ए है, तो पहले मैं फादर ए ड्रॉ कर देता हूँ, फादर ए, तो ऑब्वियसली ये हो गई उनकी शादी और यही है उनकी वाइफ, ठीक है, तो ये मिल गए.
अब यहाँ पे सी ऑब्लिक आर, आर ऑब्लिक सी, और एक बच्ची नीचे आएगी। अब सी की बच्ची है, नीचे आएंगी तो 5 लोग हो गए क्लास, तो ऑब्वियसली वो बच्ची कोई और नहीं, डब्लू, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं मेरे पास। सही है, चलो तो यहाँ पे मैं एक नीचे डब्लू लिख देता हूँ, बाद में किसकी बच्ची है वो पता चलेगा सी को, ने तो ठीक है, डन। तो ये मेरा बन गया पूरा एक ब्लड रिलेशन। तो आप देखेंगे इस तरीके से मैंने पूरा ब्लड रिलेशन बना लिया, और अभी मैं बनाता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट। तो कैसे बनाएंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, तो 6 लोग, चलो क्या हो सकता है, डब्ल्यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ वाइफ ऑफ है, वाइफ ऑफ ए कौन है, एफ है, डब्ल्यू सेकंड टू राइट। चलो आगे क्या दिया है, सी एन एफ अपोजिट, एफ के अपोजिट में सी है, बोथ द नेबर्स ऑफ सी आर नॉट मेल, फीमेल, मतलब यहाँ पे भी फीमेल आनी चाहिए, ये तो है ही, यहाँ पे भी एक फीमेल आनी चाहिए। अच्छा मैं ये लिख देता हूँ थोड़ा सा, कि डब्ल्यू तो फीमेल है और एक फीमेल है एफ, तो बाकी जो है 3 मेल होंगे, सी मेल है, आर मेल है, चलो डन हो गया। अच्छा यहाँ पे कौन सी फीमेल आएगी, क्योंकि एफ एक फीमेल है, डब्ल्यू एक फीमेल है, तो बच्ची हुई फीमेल क्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है क्यू सिट क्लोज टू अवर फादर इन लॉ, क्यू अपने फादर इन लॉ मतलब ए के पास बैठे, तो क्यू के पास बैठेंगे ए साहब, और यहाँ पे आखिरी इंसान जो के आर आना चाहिए वो भी मेल है। चलो नाउ आवर ब्लड रिलेशन इज ओके, हुई इज नीस ऑफ आर, चलिए पकड़ते, ये मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। अरे हाँ एक चीज़ रहेगी, कपल्स आर सिटिंग टुगेदर, इसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, कपल साथ में बैठने चाहिए, ए एफ साथ में बैठा है क्या, हाँ बैठा है, ए एफ साथ में बैठा है, और क्यू किसके साथ बैठा है वो देखना पड़ेगा, क्यू बैठा है ए और सी, तो सी के साथ मतलब क्यू और सी कपल होनी चाहिए, तो आर को कट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आना चाहिए, जो डब्ल्यू है वो सी की लड़की है और यहाँ पे आना चाहिए वो, ठीक है, मतलब क्यू की भी लड़की है वो। हु इज नीस ऑफ आर, आर की नीस, आर की नीस डब्ल्यू है, अपोजिट टू फादर ऑफ डब्ल्यू, फादर ऑफ डब्ल्यू सी के अपोजिट, सी के अपोजिट एफ, सॉरी यहां पे एफ, ठीक है, एंड हु इज वाइफ ऑफ सी, क्यू है, ऑड मैन आउट, अब ये ऑड मैन आउट कैसा रहेगा, आर सी क्यू एफ ए, चलो देखते, आर सी क्यू एफ ए, यहाँ पे तो नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे समझना पड़ेगा, आर सी क्यू एफ ए, मेल फीमेल का लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ मेल है कुछ फीमेल है, तो आर सी क्यू एफ ए, अच्छा ये सारे के सारे मैरिड है, मतलब कपल है, ए एफ भी कपल है और सी क्यू भी कपल है, तो कौन कपल वाला मेंबर नहीं है, आर, तो इसका ऑड मैन आउट आर होना चाहिए। देखिए सी क्यू एक कपल है, ए एफ भी कपल है, देखिए इस तरीके से लॉजिक मिल गया। हुज ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के ग्रैंड फादर कौन है, डब्ल्यू ग्रैंड फादर ए होने चाहिए, दैट्स ऑल इज द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटिंग अरेंजमेंट, तो अगला क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का है, देखते हैं ये कैसे करना है। तो ए बी डी एफ पी आर एस, ये टोटल हो गए 8 लोग का सिटिंग इन लाइन विथ 9 प्लेसेस, ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो लोग सिर्फ 8 है और प्लेसेस 9 है, मतलब एक वैकेंट होना चाहिए, ठीक है, सच दैट ऑल द पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब हमें स्टार्टिंग भी दी है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ही लेता हूँ, ठीक है, तो दिस इज अ लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 लोग बैठाने के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, 3 लोग छोड़ के यहाँ पे आर लिख देता हूँ, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ है, तो डी सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर मुझे नहीं पता, तो ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डी जो है वो कॉर्नर पे बैठता है, कौन सा तो हमें नहीं पता, एफ 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, अगेन 2 प्लेसेस अवे का मतलब होता है 1 पर्सन बिटवीन, मतलब एफ और डी में एक इंसान बैठता है,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FOD में एक इंसान बैठेगा, लेफ्ट या राइट को वो भी नहीं पता। ए इज थर्ड टू राइट ऑफ एफ, एफ का थर्ड राइट 1 2 3 ए है। एफ का थर्ड राइट ए है, एफ का थर्ड राइट ए है। ओके आगे क्या बोलता है, एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में एच है, बी के लेफ्ट में एच है, ठीक है। हु मतलब बी इज नॉट सिटिंग एट कॉर्नर, ये जो अपना बी है ये कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। चलो एस डज नॉट सिट टू लेफ्ट ऑफ एच, लेफ्ट में नहीं बैठता तो ये राइट को बैठता होगा, एच के राइट में एस बैठने वाला है कहीं तो भी, ठीक है। डी इज नॉट नेबर ऑफ पी, डी जो है वो पी का नेबर नहीं है, तो ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं, डी जो है वो पी का नेबर तो नहीं है। मोर देन 4% सिट टू राइट ऑफ पी, पी के राइट में मोर देन 4, मोर देन 4 मतलब मिनिमम 5 लोग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पी के राइट में 5 लोग चलते, 6 लोग चलते, 7 लोग चलते, ठीक है। क्यों ऐसा मैंने लिख दिया है, क्योंकि मोर देन 4% सिट टू राइट ऑफ पी, पी के राइट में मुझे इतने लोग तो चाहिए, मोर देन 4 मतलब 5 6 7। चलिए अब स्टार्ट कहाँ से करते, लेट्स सी। आर तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन बाकी सब कुछ भी कहीं पे भी आर से कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे काम करना पड़ेगा, डी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब डी में कहाँ पे बैठा हूँ, तो डी कॉर्नर पे बैठता है, तो कॉर्नर इधर भी है इधर भी है। अब डी एफ में एक इंसान बैठता, अगर मैंने यहाँ पे डी ले लिया सपोज, तो डी और एफ में एक इंसान, और एफ का थर्ड राइट ए नहीं आता, मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है, यहीं पे कन्फर्मली डी आएगा, डी 1% एफ यहीं पे आएगा, और 1 2 3 यहाँ पे ए आएगा, एफ का थर्ड राइट ए, ये भी हो गया। चलो अब आगे क्या लिखा हुआ है, एच बी है और एच के राइट में एस है, एच के राइट में एस है, फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं पता। डी के पास लेकिन पी नहीं बैठेगा, तो ये मैं निगेटिव सेटनेस यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, डी के पास पी नहीं बैठेगा। ओके अब आगे क्या लिखा हुआ है, वी हैव एच बी, यस इमीडिएट एच और बी बी कॉर्नर पे नहीं है, तो एच और बी के लिए दो जगह इधर नहीं इधर नहीं इधर ही आ जाएगी, तो ऑब्वियसली यही पे एच बी आ जाएगा। आगे में एच के राइट में एस है, एक ही जगह बचती है, बहुत बढ़िया। आगे बोलता है डी का नेबर पी नहीं, मैंने मार्क कर दिया, पी के राइट में 5 6 लोग, अब यहाँ पे पी नहीं बैठता तो यहाँ पे पी बैठना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे पी बैठता है तो पी के राइट में 5 लोग है क्या, नहीं है, मतलब ये मेरा सॉल्यूशन गलत है, ठीक है। वैसे मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो सकती है, और ये मैंने पहले ही अपने माइंड में रखा था कि ये गड़बड़ हो सकती है, तो क्या गड़बड़ हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो आपको हमेशा याद रखना है, और वो लॉजिक होता है वैकेंट। जब भी आपको वैकेंट वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ये जो सेंटेंस होता है जो कि बड़ा डेंजरस सेंटेंस है, ओनली 3 persons आर सिटिंग या ओनली 1 person इज सिटिंग, ये बड़ा डेंजरस सेंटेंस होता है, क्योंकि पता है कि इसकी कई पॉसिबिलिटी निकलती है। जैसे देखिए मैं आपको इसकी एक बेहतरीन पॉसिबिलिटी बना के बताता हूँ, ओनली 3 persons आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, राइट, तो आपको 3 लोग छोड़ के यहाँ पे आर लिखना है, मैं तो बोलता हूँ 4 छोड़ के आप आर लिख दीजिए, तो क्या करना है, आप सोचेंगे गलत हो गया, नहीं, आर के लेफ्ट में 3 ही लोग बैठाएंगे और एक जगह रखेंगे वैकेंट, तो वो जो एक जगह है ये मैं वैकेंट के लिए पहले ही छोड़ देता हूं, इसमें मुझे आर जो है एक पोजिशन इधर मिल जाएगा, राइट। अब डी तो कॉर्नर पे है, वो तो वही आएगा, डी 1% एफ, एफ का 1 2 3 यहां पे ए आ जाएगा, राइट, बी कॉर्नर पे नहीं आता तो एच और बी वापस से यही पे बैठ जाएंगे, एच के राइट में ही एस है, वो भी यही पे बैठ जाएगा। अब डी का नेबर पी नहीं है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि पी यहां पे मत बैठाना, तो पी यहां पे बैठा देना, और ये जगह हो गई वैकेंट।
अब हम चेक कर सकते हैं कि पी के राइट में पांच या छह लोग बैठते क्या। तो अगर यहाँ पे पी बैठा तो एक दो तीन चार पांच, या पांच लोग बैठ रहे, अपना क्वेश्चन एकदम सही है। तो ये जो चीज है यहाँ पे, आप ये लॉजिक इसको हमेशा याद में रखिएगा कि आपको जब भी वन पर्सन सेट बिटवीन, तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह छोड़ना है, दो जगह छोड़ भी जा सकती है। जैसे यहाँ पे ओनली थ्री पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट, यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा ना, आर के लेफ्ट में तीन ही लोग बैठे, डी एफ और पी, तीन ही तो लोग हैं, एक डी है, एक एफ है और एक पी है, ये थ्री पर्सन हो गए। बट पोजीशन कितनी हो गई, चार पोजीशन है। तो ये जो है वैकेंट का लॉजिक होता है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये लॉजिक आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आपके माइंड में हमेशा ये चलते रहना चाहिए, क्लिक जब भी वैकेंट का क्वेश्चन दिखे। लेट्स सी सब क्वेश्चन, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन बैठा है, आर बैठा है। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन तो हमारा गलत हो गया था। तो ही सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी, आर। हुई सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, एच का सेकंड लेफ्ट आर है, अगेन आर, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच। फाइंड द ऑड मैन आउट, बी ए पी एस आर, बी ए पी एस आर, इसको ऐसे पढ़ लेना चाहिए कभी भी, जैसे मैं पढ़ता हूँ बी ए पी एस आर, बी ए पी एस आर। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बी के भी दो नेबर है, ए के भी दो नेबर है, आर के भी दो नेबर है, ए के भी दो नेबर है, एस का एक ही नेबर है, ठीक है, बाकी सबके दो दो नेबर है, तो एस ही एक है जिस जो हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो वन नेबर, या फिर आप दूसरा बोल सकते हैं, कॉर्नर पर बैठा है, दैट विल बी अगेन ऑड मैन आउट। हुई सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ ए, ए का सेकंड राइट बी है, अपना जवाब मार्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट पर्सन आर सिटिंग अराउंड सर्कल, अगेन द सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं, छोटा सा दिख रहा है वैसे मुझे, तो एच इज एडजेसेंट टू बी, देखिएगा एक सर्कल है, सर्कल में लोग बैठे हैं, तो आप पहले तो एक सर्कल बना दीजिए, आठ लोग हैं तो मैं आठ लोग के हिसाब से बराबर यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, ऑल आर फेसिंग इनसाइड है। ठीक है, अब एच इज एडजेसेंट टू बी, यहाँ से स्टार्ट मत कीजिएगा, ये कोई बेहतरीन सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि खुद ही पहले पॉसिबिलिटी बना रहा है। जी इज थर्ड टू राइट ऑफ एफ, ये ठीक है, लेकिन और जी का मुझे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, एफ का भी मुझे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो वहाँ से भी स्टार्ट नहीं करना। तो यहाँ पे लगती है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर वन। व्हाट वाज अवर स्ट्रेटेजी नंबर वन, मोस्टली रिपीटेड। तो मोस्टली रिपीटेड ढूंढिएगा, सबसे ज़्यादा बार कौन सा लेटर रिपीट हुआ है, तो जैसे मैं गिनता हूँ तो मुझे दिख रहा है सी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तीन बार, यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे भी सी है, तो ये भी एक सी का सेंटेंस है, ये भी है, ये निगेटिव है, ये नॉर्मल है, और ये जो मुझे दिखता है ये कंफर्म पॉजिटिव सेंटेंस है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। बट जो भी है पहले ये बैठना चाहिए, ए का थर्ड राइट सी आना चाहिए। आगे क्या बोलता है सी का सेंटेंस, एच इज़ नॉट नेबर ऑफ सी, जाने दो, एच इज़ नॉट नेबर ऑफ सी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एच नहीं आएगा, डन। सी का सेंटेंस, डी इज़ वन ऑफ द नेबर्स ऑफ सी, डी इधर बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है, क्या करेंगे, फटाफट बना लेते, दो पॉसिबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए ए का थर्ड राइट सी, सी का डी इज वन ऑफ द नेबर, तो यहाँ पे एक बार ऊपर डी लिख देता हूँ, एक बार इधर नीचे डी लिख देता हूँ। चलो डी का कोई कनेक्शन है क्या, डी का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा मुझे, अब क्या बचा हुआ है, एच इज एडजेसेंट टू बी, एच बी साथ में बैठेंगे, ठीक है, और जी थर्ड टू राइट ऑफ एफ, एफ का एक दो तीन जी है, ये कंडीशन बची है, डी इज नेबर ऑफ सी हो गया, बी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई, बी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई का सेकंड बी है, ये हो गया, एच इज नॉट नेबर ऑफ सी, ओके डन। तीन कंडीशन ही हमें बैठाना है, कैसे बैठाएंगे, चलो देखते हैं किस तरीके से बैठाना चाहिए। ओके, तो देखिए एच बी को मत बैठाइए, क्योंकि एच बी के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, एच बी के लिए आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी, तो आप इसको छोड़ दीजिए, आपके पास डायरेक्ट एक तो एफ का थर्ड राइट जी है, या तो ई का सेकंड लेफ्ट बी। अब आपको ये जो है ये थर्ड है और ये सेकंड है, तो क्या करेंगे, कोशिश ये कीजिएगा कि पहले थर्ड बैठाइए, सो सेकंड की भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, थर्ड देखते हैं, एफ का थर्ड राइट जी, एफ का थर्ड राइट जी नहीं आता, एफ का थर्ड राइट जी आता है, यहाँ पे एफ का थर्ड राइट जी नहीं आता, यहाँ पे एफ का थर्ड राइट जी आता है, यहाँ पे भी एफ का थर्ड राइट जी आता है,
बट उसको ऐसे बैठाइएगा कि सेकंड बी के लिए जगह मिलना चाहिए और बी के पास एच भी बैठ जाना चाहिए। मतलब आप इसको, मैं काम कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने दोनों लिख दिया, एक बार बी के पास यहाँ पे एच बैठेगा, एक बार बी के पास यहाँ पे एच बैठेगा। ओके चलो देखते हैं। तो जी का थर्ड राइट एफ ऑलरेडी मेरी पॉसिबिलिटी बन गई है, तो यहाँ पे देखते हैं। ये और पॉसिबिलिटी मुझे बोल रहा है कि ये एफ का थर्ड राइट जी बैठाओ, नहीं तो फिर ये एफ का थर्ड राइट जी, नहीं तो ये एफ का थर्ड राइट जी। मतलब देखिएगा कितनी सारी पॉसिबिलिटी है। ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए, ऐसे वक्त मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसा कीजिए। देखिए अगर आप यहाँ पे एफ का थर्ड राइट जी अगर बैठाते हो, ठीक है, तो आपके पास सेकंड के लिए कोई रिलेशन नहीं बचता है। देखिए ना कैसे आप ई और बी को सेकंड कैसे बैठाएंगे, तो इमीडिएट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये जो हमारी पॉसिबिलिटी है ये क्या है, ये गलत है हमारा, ठीक है। कौन एफ और जी, यहाँ पे अगर एफ और जी अगर आप बैठाते हो तो आपको फिर से सेकंड और इमीडिएट के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, तो आपके पास एक ही बची हुई चीज़ है, यहाँ पे आप एफ बैठाइए, ठीक है, एफ का थर्ड राइट जी इधर आएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपके इमीडिएट के लिए जगह है, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड के लिए, तो ई का सेकंड ले बी, बी का नेबर एच। चलो ये बैठ गया। ये वाला क्या बोलता है, यहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी शायद ज़िंदा दिख रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह खाली है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैंने एफ का थर्ड राइट जी लिख दिया तो ये तीन लोगों में ये वाला पॉसिबिलिटी बैठती है, और यहाँ पे मैंने एफ का थर्ड राइट जी लिखा तो इमीडिएट है, सेकंड का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे तो आता नहीं। यहाँ पे अगर मैंने लिखा तो एफ का थर्ड राइट अगर मैंने जी लिखा तो यहाँ पे ई का सेकंड लेफ्ट बी और ई का सेकंड लेफ्ट बी और बी और एच बैठ सकता है, यहाँ पे तो आता ही नहीं। तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर मैंने एफ लिख दिया तो एफ का थर्ड राइट जी इधर आता है, तो ये जो है ये पॉसिबिलिटी बैठ रही है, राइट। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं ये अगर नहीं लिखता हूँ तो आप देखिए, अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे F का थर्ड राइट अगर G लिखता हूँ तो यहाँ पे E का सेकंड लेफ्ट B तो आएगा लेकिन B का नेवर H नहीं आ पाएगा। मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है ये फेल है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो इसलिए वही वाली पॉसिबिलिटी सही थी अपनी, यहाँ पे F चाहिए था, F का थर्ड राइट G, और यहाँ पे ये लोग ऐसे बैठेंगे ई, ई का सेकंड लेफ्ट बी, बी का नेबर एच। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी बन गई, अब क्या करें। तो चलो देखते हैं, हुई सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, यही तो पूछा है। एच का लेफ्ट कौन है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच का लेफ्ट बी है, मतलब सही जवाब बी और जी नहीं है, इट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ये बनाया होंगे वो लोग मार्क करेंगे जी, जिन्होंने ये बनाया होंगे वो बी मार्क करेंगे, सबके मार्क यहाँ पे चले गए। जिन्होंने ये दोनों पॉसिबिलिटी बनाई होंगी वही लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख। ओके सो दिस इज अ पजल, दिस पजल ऑफ मंथ एंड डेट्स। आई हैव ऑलरेडी मेनी टाइम्स टोल्ड यू के पजल ऑफ मंथ एंड डेट ये बहुत फ्रिक्वेंटली आज पजल है हमारे एग्जाम में, और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए ताकि आपकी स्पीड जो है इसमें काफी अच्छी होनी चाहिए। चलिए लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोगों का इंटरव्यू है 13, 22 and 30, ठीक है, 13, 22, 30 ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। वैसे आपके माइंड में इसको पढ़ के ही पहले डाउट आना चाहिए, क्या डाउट पता है, कि 13, 22 और 30 तीन डेट है, लोग 9 है तो तीन ही महीने चाहिए, 3 × 3 = 9, तो 4 महीने क्यों दिए। अब 4 महीने के अगर 3 डेट को अगर इंटरव्यू होगा तो 12 इंटरव्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डाउट अपने मन में पहले आपके आना चाहिए। नो इंटरव्यूज कंडक्टेड ऑन 22 मार्च ड्यू टू पब्लिक हॉलीडे। ओके उन्होंने एक डेट कैंसिल की है, दैट्स वाई दे इंट्रोड्यूस 1 month इन एक्स्ट्रा। कंपनी नीड टू कंप्लीट ऑल द इंटरव्यूज बिफोर 30th अप्रैल। वन मोर थिंग, 30 अप्रैल को कोई इंटरव्यू नहीं, और एक डेट आपकी माइनस हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कंडीशन आ रही है तो चलिए वही काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जनवरी 13th, उसके बाद 22, उसके बाद 30, ठीक है। ये क्या हो गई, ये मेरी पॉसिबिलिटीज़ के लिए
प्रिपरेशन पहले से रेडी हो गई है, ठीक है। फरवरी, फरवरी में क्या आएगा, फिर से 13, फिर से 22, लेकिन फरवरी में 30 फरवरी नहीं होती है, तो ये डेट मत लीजिएगा, ठीक है। तो कितने इंटरव्यू हो गए, 5। अब आता है मार्च, मार्च में 13 आएगा, 22 मार्च मना किया है, तो डायरेक्ट आएगा 30 मार्च, यस आई एम राइट। अब ये कितने हो गए, 5 और 2 7, और अब आएगा अप्रैल, अप्रैल में 13 आएगा, 22 आएगा, 30 तारीख इन्होंने मना किया है, तो अब ये हो गए 7 और 2 9 एग्जैक्टली। अब मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। अब ये मैं जितनी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा उतनी पॉसिबिलिटी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। वैसे भी हमारे इम्प्लिसिट पजल में 5 या 6 पॉसिबिलिटी तक बनने वाला क्वेश्चन वही एग्जाम में आता है, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर दैट। नाउ लेट्स सी कंडीशन। आर हैज इंटरव्यू ऑन इवन डेट ऑफ द मंथ बट नॉट ऑन 30th ऑफ एनी मंथ, ठीक है। अब 30 तारीख को नहीं है लेकिन इवन डेट मतलब 22 तारीख को, तो हर महीने की 22 तारीख जो है वो आप पकड़ लीजिए और ये आप पॉसिबिलिटी बना लीजिए, ठीक है। हर महीने की 22 तारीख मतलब आपका 22 जनवरी भी हो सकता है, 22 फरवरी भी हो सकता है, 22 मार्च तो है ही नहीं, और 22 अप्रैल भी हो सकता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे 3 बना लिए, ओके। आगे क्या बोलता है वो, ओनली वन इंटरव्यूज कंडक्टेड बिटवीन आर एंड टी, आर टी में एक ही है तो आर टी ये, यहाँ पे आर टी ये रहेगा, यहाँ पे लेकिन आर के 2 पॉसिबिलिटी होती है, आर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो ये मैं पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। चलिएगा ये वाला जो आर है, एक बार ऊपर टी एक बार नीचे टी, ओके। वन इंटरव्यूज कंडक्टेड बिटवीन आर एंड टी, क्यू हैज इंटरव्यू ऑन 30th मार्च, डायरेक्ट दिया है 13 मार्च को क्यू का इंटरव्यू है, क्यू 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 क्यू, डन। नंबर ऑफ इंटरव्यूज आफ्टर टी इज इक्वल टू कंडक्टेड बिफोर एस, जितने टी के पहले है उतने, सॉरी जितने टी के बाद है उतने एस के पहले, जितने टी के बाद, टी के बाद 2 है तो एस के पहले भी 2 होने चाहिए, ठीक है। 2 इधर भी 2 है तो इधर भी यहाँ पे एस होना चाहिए, इधर बहुत सारे है, ठीक है, तो इधर से आप सिमेट्री बना लीजिए, 2 छोड़ के यहाँ पे एस लिख दीजिएगा, और यहाँ पे टी है तो 3 छोड़ना है नीचे से आपको, और यहाँ पे ऐसा आप लिख नहीं सकते तो ये पॉसिबिलिटी आपकी फेल हो जाती है, ओके। एस हैज इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर वी, एफ एस का इंटरव्यू वी के इमीडिएट बाद, अब वी के बाद मतलब यहाँ पे तो मैं वी नहीं लिख सकता, ये भी पॉसिबिलिटी फेल हो गई। एस हैज इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर वी, देखिए 2 ही पॉसिबिलिटी बची हुई है। जेड हैज इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर वाई, जेड हैज इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर वाई, इसके लिए 2 प्लेसेस चाहिए, वाई के बाद जेड है, वाई के बाद जेड, ये एक बचता है यहाँ पे, वाई के बाद जेड यही पे आएगा, डन। यू हैज इंटरव्यू आफ्टर जेड, यू हैज इंटरव्यू आफ्टर जेड नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी फेल हो गई, ठीक है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी सही होने वाली है, तो यू हैज इंटरव्यू आफ्टर जेड, यहाँ पे यू आना चाहिए, एंड डब्ल्यू हैज इंटरव्यू ऑन 13th ऑफ एनी मंथ, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, वी आर राइट, द वर पॉसिबिलिटी इज रेडी। तो देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपको 2-3 चीज़ें पकड़ में आनी चाहिए कि कौन से डेट को इंटरव्यू नहीं है वो पकड़ लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट बात मेरे ख्याल से आप यहाँ पे धोखा खाए होंगे काफ़ी सारे लोग कि फरवरी में 30 तारीख नहीं होती है, ठीक है। चलो अगर ये अगर चीज़ें अगर आपने पकड़ ली तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल था, हु हैज इंटरव्यू ऑन 22nd फेब, 22nd फेब का इंटरव्यू जेड का होना चाहिए, जेड। ऑन विच डेट द इंटरव्यू ऑफ आर इज अरेंज, आर का इंटरव्यू कौन से दिन अरेंज किया गया है, ये तो 22 अप्रैल को है साहब। हाउ मेनी इंटरव्यूज आर कंडक्टेड बिफोर वाई, वाई के पहले 3 दिख रहे हैं मुझे, तो 3 ये है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर क्वेश्चंस, अब इसके बाद के क्वेश्चंस आपको अमित सर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू आशीष सर। तो आज आपने क्लास IBPS RRB क्लेरिकल लेवल का मेंस एग्जाम्स को फेस किया हुआ है, पेपर कैसा था ये पूछने की जरूरत नहीं है,
कि मेंस का पेपर जनरली सिंपल होता है ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? पहली चीज तो मेंस के टॉपिक पता नहीं होते, उसके बाद मेंस की पढ़ाई कम होती रहती है, सब लोग प्री के बारे में सोचते रहते ज्यादातर कि पहले सर प्री तो निकल जाए उसके बाद मेंस के बारे में सोचेंगे। सो सारे के सारे चीजें जो भी है वो बाजू में रख देते हैं और डायरेक्टली आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिख रहा है ये लॉजिकल दिख रहा है, लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे आपको मेंस में दिखने वाले हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे तो स्टेटमेंट एडवांस्ड मोबाइल पेमेंट टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द 5G इंट्रोडक्शन विल प्रूव टू बी अ गेम चेंजेस फैसिलिटिंग फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट सोशल सेक्टर स्कीम इन अ फास्टर एंड मोर सिक्योर मैनर। सीधी एक सिंपल सी बात है, आजकल आप लोग फोन पे यूज कर रहे हो, डिजिटल पेमेंट्स का जमाना आ चुका है, वहां पे स्कैन करो तुरंत पेमेंट हो जाता है, ठीक है। अब मोबाइल नेटवर्क आपका जितना फास्ट हो उतना जल्दी आपका पेमेंट हो जाता है, या फोन पे लाइट भी आजकल जो लॉन्च हुआ है सारी की सारी चीजें किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है अपने साथ में आज ये मोबाइल पेमेंट टेक्नोलॉजी जो भी रहेगी वो। अब What will be the possible cause of the above survey result? जो ये सर्वे का रिजल्ट आया हुआ है उसका कॉज क्या होगा, ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट वाला ये चीज सेगमेंट मुझे दिख रहा है वहां पे चैप्टर का लॉजिकल का। तो ऐसा ये जो बोला हुआ है ये इन लोगों ने ऐसा क्यों बोला हुआ है ये अपने को बताना है, ठीक है। सबसे पहला वाला, मोबाइल्स कांट ओनली ट्रांसफर द मनी क्विकली एंड सिक्योरली बट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ द सर्विस एंड डिलीवरी। सही बात है, ठीक है। सुनो, ये जो कांट ओनली दिख रहा है यहाँ पे ये निगेटिव सेगमेंट नहीं है, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला सेगमेंट है कि मोबाइल ये तो कर ही सकता है प्लस ये भी करता है, ऐसा वो बोल रहा है वहां पे, तो नेगेटिवली मत जाना उसको वहां पे। ऑब्वियसली मतलब सबको पता है कि मोबाइल कैन ट्रांसफर द मनी क्विकली, ठीक है ना। सो ये वाला सेगमेंट भी क्या हो जाएगा, एकदम सही होने वाला है। दूसरा वाला, द ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इज वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द परफॉर्मेंस। ये बात भी सही बोल रहा है ये, ठीक है, कि आपका जो भी ग्रोथ रहेगा टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर का, और ये किस चीज को मेनली किसको ये लीड करता है, तो आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करता है। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे सही दिया हुआ है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, रूरल सेक्टर डजंट फैसिलिटेट By the new mobile technology, नहीं। हमेशा याद रखो कि negative conclusion, negative cause, negative effect, negative assumptions, negative course of actions हम आप option में tick करते ही नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। लॉजिकल के जो भी आपके 5 चैप्टर्स रहेंगे सारे के सारे उसमें नेगेटिव जो भी रहता है कंक्लूजन वो टिक नहीं करते हैं, ये बात हमेशा याद रखो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इंडिया फ्रॉम कंट्री एक्स हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कैरिंग वायरसेस ऑफ किलर डिजीजेस। जैसे कि अभी कुछ ही सालों पहले हुआ था कि कोरोना वायरस से बहुत से लोग आए थे, तो चाइना से जो बहुत से लोग आए हुए थे उनके साथ क्या किया गया था कि उनको एक क्वारंटाइन जोन, या फिर जो भी पॉजिटिव पाया गया था तो उनको क्वारंटाइन जोन में रखते थे या घर पर रखते थे या उनका क्वारंटाइन सेंटर रहता था। तो जरा ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, तो आज क्या हो रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इंडिया फ्रॉम अ कंट्री एक्स, उस कंट्री से आने वाले लोग जो है, ठीक है ना, तो बहुत से लोग टेस्टेड पॉजिटिव किए गए हैं, मतलब टेस्ट उनका पॉजिटिव आया हुआ है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अब क्या एक्शन लेना चाहिए, आप गवर्नमेंट हो और आप एक्शन लेना है आप लोगों को। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट बैन। इतना पढ़ा मैंने और मैं डायरेक्टली इसको क्या करने वाला हूं, यहां पर रॉन्ग टिक करने वाला हूं। एक बात हमेशा याद रखो, आप किसी चीज के ऊपर डायरेक्टली ऐसे बैन लगा नहीं सकते हो, किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते हो, किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते हो, ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन सारे के सारे कंसिडर किए जाते हैं निगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली सेट अप डिटेक्शन सेंटर एट ऑल इट्स एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड क्वारंटाइन दोज हु आर टेस्टेड पॉजिटिव। सही है, ठीक है, कि जो भी एयरपोर्ट है वहां पे अगर टेस्ट करवाओ, यहाँ पॉजिटिव निकला सीधा उसको क्वारंटाइन सेंटर में भेज दो, वहां पे सबसे बेस्ट वहां पे ऑप्शन। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 2 फॉलोज यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिख रहा है आप जो कोडेड डायरेक्शन, सिंपल डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ दिखने ही नहीं वाला है,
ठीक है, दिखेगा तो क्रिटिकल क्वेश्चन ही दिखने वाला है। अब मुझे क्या बोला हुआ है कि डॉलर ए डॉलर बी, हम कोडेड डायरेक्शन को कैसे देखते हैं? सबसे पहली चीज तो हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये है बी इज मतलब सेकंड इज सेकंड इज सेकंड इज, दैट मीन्स हम डायग्राम कैसे बनाने वाले हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम डायग्राम बनाने वाले हैं। उसके बाद में हम सभी सिंबल्स की मीनिंग निकाल लेते हैं कि डॉलर का मतलब क्या होता है, वेस्ट होता है, और कितने डिस्टेंस में होता है, 3 में होता है। परसेंट का मतलब कितना हो जाता है, ईस्ट में होता है। एट द रेट का मतलब नॉर्थ, एम्परसेंट का मतलब, और विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंसेस भी दिए हुए हैं। ओके, देन ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है कि दो सिंबल ज्वाइन होता है तो हमेशा ऐसा वाला डायरेक्शन बन जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बच्चे समझ लेते हैं वहां पे। पर यहां डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, ये बात याद रखते रहना। ओके, डिस्टेंस सेम भी रह सकता है, डिस्टेंस डिफरेंट भी रह सकता है। सेम रहता है तो आप लोगों को पता है क्या करते हैं अपन, क्या नहीं करते। डिफरेंट रहता है तो भी पता है आप लोगों को कैसा करना है कैसे नहीं करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास में, ऐसा वाला कंक्लूजन है कि पी परसेंट क्यू परसेंट आर डॉलर एस। तो डायग्राम कैसे बनानी है, मैंने बोला था आपको ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाना है। लगे तो मैं आपके लिए यहां बाजू में इसके ऊपर परसेंट का मीनिंग क्या था, परसेंट का मीनिंग यहां पे ईस्ट में, वो भी 2, तो मैं 2 मीटर ईस्ट लिख के रख रहा हूं, डैश कर देता हूं आपके लिए, आप लोगों के लिए। वहां पे एम्परसेंट का मतलब क्या था, एम्परसेंट मतलब साउथ था, 4 मीटर साउथ है, ठीक है। और डॉलर का मतलब क्या है, वहां पे ये डॉलर कहां गया, डॉलर ये पहला डॉलर वहां पे कि वेस्ट में गया हुआ है 3 मीटर, ये 3 मीटर वेस्ट में गया हुआ है, इज 2। देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एस। अगर मुझे डायरेक्शन निकालना रहता तो अपन देख के आंसर बता सकते थे इसको, ठीक है। लेकिन राइट नाउ आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो डायग्राम देखना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे बताओ अपने को डिस्टेंस किसके किसके बीच में निकालना है, पी से लेके एस, ये पी से लेके एस तक निकालना है। तो डायग्राम ऐसे पूरा अच्छे से मत बनाना, डायरेक्टली आप ऐसे करना वहां पे कि 2 मीटर ईस्ट में गया मैं, उसके बाद में 4 मीटर साउथ में गया मैं, और उसके बाद 3 मीटर वेस्ट में गया मैं, बस ऐसे करना। लगे तो आप चाहते होंगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, आप पी डालो वहां पे, और आखिरी में कौन मिला आपको वाला एस मिला हुआ, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। सीधी सी बात है, अगर ये परपेंडिकुलर मैंने यहां पे डाल दिया, ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1, और ये 4 है तो 4 रहेगा। तो आपको हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे आप, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, 17 वहां पे आंसर, दैट्स इट। इतना ही करना है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने आंसर निकाला हुआ है। देखो गाइस, क्वेश्चन का अगर आपको पता है कैसे टैकल करना है तो वो सिंपल है, पता ही नहीं कैसे टैकल करना तो मेंस तो हार्ड जाने वाला ही है। लेट्स ऑल नेक्स्ट, फिर से एक बार यहां पे आया हुआ आपके पास में क्वेश्चन कि पहला जो स्टेटमेंट दिख रहा है मुझे, यहां पे मुझे दिख रहा है एट द रेट परसेंट, ठीक है, एट द रेट 2 सिंबल है, इसका मतलब है एट द रेट परसेंट का मतलब क्या था, नॉर्थ ईस्ट था। तो मैं पहले यहां पे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखूंगा, डिस्टेंस मुझे नहीं पता, डिस्टेंस मुझे नहीं पता यहां तक का। उसके बाद में जे और एल के बीच में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सिंबल है एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या था गाइस, नॉर्थ 6, तो 6 मीटर में नॉर्थ लिखना चाहूंगा और डैश लिखना चाहूंगा। उसके बाद में अपने पास टाइम रहता है, अपने पास अच्छा खासा टाइम रहता है, और ये श्योर शॉट क्वेश्चन है जो उसको छोड़ना नहीं है, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, बस देखो कैसे करना है अपने को। उसके बाद में क्या है आपके पास में, डॉलर दिया हुआ है वहां पे। ओके, डॉलर का मतलब था वेस्ट में कितना, 3, तो 3 मीटर वेस्ट लिख देता हूं मैं डॉलर। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, एम्परसेंट, एम्परसेंट का मतलब क्या दिया हुआ गाइस, 4 मीटर साउथ में दिया हुआ है, ठीक है। अब डायग्राम बनाते बनाते पहले क्वेश्चन देख लो, सबसे पहले के इज इन द लाइन विथ एम एंड एन एंड इज सॉरी के इज इन द लाइन विथ एम एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एम के। अच्छा, ये पॉइंट बहुत काम में आने वाला है अपने को सामने में। If we draw a perpendicular from J, then it bisects the line NK, then what is the shortest distance between K and J? Fine, ठीक है, हमें इसके डायग्राम बनाने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है। डायरेक्शन रहता तो ओरली भी अपन निकाल सकते थे। सो चलो देखते हैं, शुरुआत में एट द रेट का नॉर्थ ईस्ट है तो हम इसको पहले पुट नहीं करना चाहेंगे, या फिर सबसे पहली चीज आप ऐसा करो, आप जे से चालू करो उसको पुट करना, ठीक है ना, जे से लेके, ठीक है, बताओ जे एट द रेट। तो मैं पहले क्या करूंगा कि जे एट द रेट एल, जे के 6 मीटर नॉर्थ में कौन मिलने वाला है अपने को, एल मिलने वाला है। फिर एट एल के बाद डॉलर, डॉलर का मतलब क्या था, वेस्ट, तो कहां जाएंगे अपन, 3 मीटर वेस्ट में जाने वाले हैं, 3 मीटर वेस्ट में, और वो कौन मिलने वाला है अपने को वहां पे, एल डॉलर एम मिल जाएगा यहां पे, ये मिल गया मुझे, एम मिल चुका है। ओके, अब उसके बाद में गाइस क्या दिया हुआ है, एम एम्परसेंट एन, ठीक है। अब मुझे क्या मिलने वाला है, ये वाला एम के साउथ में है बोलते कौन, वो भी कितने मीटर पे, सिर्फ 4 मीटर पे, ये 6 है, ये 4 है, और ये कौन है बोलते वहां पे, एम दिया हुआ है। और ये पॉइंट की तरफ ध्यान देना कि एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एम के, ठीक है ना, और के बारे में यहां पे भी कुछ तो भी दिया हुआ था कि के, ठीक है ना, जो है
सॉरी के नॉर्थ ईस्ट में कौन दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, ये बात याद रखना। अब ये पॉइंट नॉर्थ ईस्ट में है तो ये वाला पॉइंट साउथ वेस्ट में होगा, इसके हिसाब से ये ऐसा वाला आ गया यहाँ पे, ये देखो ये वाला है नॉर्थ ईस्ट में ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद एन जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, मतलब ये भी कितना डिस्टेंस हो जाएगा, चार हो जाएगा, चार और चार आठ हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये पॉइंट ऊपर में है और ये पॉइंट नीचे में, तो ऐसा परपेंडिकुलर निकाल रहे बोलते तो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये है दो और ये है, ऐसी डायग्राम बनने वाली है। अब जब मुझे क्लियरली सब क्लियर हो चुका है, ये अगर तीन है तो ये भी कितना हो जाएगा, तीन, ये है दो, आपको ये पूछा हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केजे, तो यहां पे एक साइड है दो, एक साइड है तीन, दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, नौ प्लस चार तेरह, आ गया आंसर। ऐसे सिंपल सिंपल तरीके से चलने दो गाइज, आराम से आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, फिर से एक बार मैं आपके लिए यहाँ पे बस स्टेटमेंट को देख रहा हूं मैं, उसके बाद डायग्राम अपने आप बन जाएंगी, अगर डायरेक्शन पूछा तो डायरेक्शन भी आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पहला सिंपल क्या है आपका वाला, परसेंटेज, हालांकि आप पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में रफ में बाजू में लिख देना, मुझे हर बार आपके लिए लिखना पड़ रहा है वहां पे, क्योंकि मैं पहले से नहीं लिख सकता था। अब परसेंट दिया हुआ है, परसेंट का मतलब क्या है, ईस्ट, अब क्या लिखना है आपने को, सिर्फ 2 मीटर ईस्ट लिखना है वहां पे, दैट्स इट। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, एम्परसेंट, एम्परसेंट का मतलब गाइस क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है, साउथ में चार, तो 4s लिख रहा हूं मैं यहां पे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सॉरी यहां पे अपने से भी गलती हो चुकी है, जरा ध्यान से देखो, यहां पे दो सिंबल है, यहां पे क्या दिया हुआ है, दो सिंबल दिए हुए है, बहुत ध्यान चाहिए वहां पे क्लास देते वक्त, यहां पे एम्परसेंट और डॉलर दिया हुआ है, और एम्परसेंट डॉलर का मतलब क्या था, साउथ वेस्ट, ठीक है, ये वाला आएगा कहां पे, साउथ वेस्ट में जाने वाला है, डिस्टेंस मुझे नहीं पता, देखा जाएगा बाद का, बाद में एट द रेट डॉलर है, एट द रेट का मतलब क्या होता है गाइस, यहां पे नॉर्थ में 6 मीटर और डॉलर का मतलब क्या होता है वहां पे, पहला वाला वेस्ट में 3 मीटर, 3 मीटर वेस्ट में दिया हुआ है, ई जी एच आर इन अनलाइन, अच्छा तीन पॉइंट दिए हुए, ये देखो यही पे है वो ई जी एच, तीनों के तीनों पॉइंट याद दिख रहे हैं मुझे, आर इन अनलाइन एक ही लाइन पे दिए हुए है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ जी एच, फाइन, ठीक है, ये पॉइंट भी हमें बहुत काम में आने वाला है सामने जाके। What is the shortest distance between J and F? And also find the direction of F with respect to J, बोला हुआ है वहां पे। Okay, fine. Okay, let's go. देखते हैं कि पहला वाला point E के east में, ये वाला point मैं ले रहा हूँ E, इसका वाला east कहाँ जाएगा, इधर में 2 मीटर पे कौन आने वाला है, पहले आने वाला है F आने वाला है। उसके बाद में आपको कहाँ जाना है, साउथ वेस्ट जाना है, साउथ वेस्ट में मतलब कहाँ जाएंगे एग्जैक्टली मुझे डिस्टेंस नहीं पता वहां पे, इसीलिए F के साउथ वेस्ट में कौन आया हुआ है, G आया हुआ है। अब G पॉइंट जो है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, भरोसा नहीं अभी तक के उसका वाला, ठीक है। जी एट द रेट का मतलब पता है 6 मीटर नॉर्थ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं पता है क्या कि ये जो था ई जी एच, अब मुझे यहां पे देखो ई और जी एक लाइन में है तो ऐसा भी चाहिए था, ऐसा भी चाहिए था, लेकिन जी के नॉर्थ में एच है तो एच भी कहां जाएगा, जी के नॉर्थ में यहां पे आएगा एच वहां पे, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे आने चाहिए और वो भी नॉर्थ लाइन पे, नॉर्थ लाइन पे, इसलिए बाकी के जी जो है वो अपने आप कट जाएंगे। ओके, लेट्स गो अगला वाला पॉइंट, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एच डॉलर जे दिया हुआ है, डॉलर का मतलब क्या होता है, वेस्ट दिया हुआ है कि एच के वेस्ट में कौन दिया हुआ है वहां पे, जे दिया हुआ है, मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे जे को लिखना चाहूंगा, और उसका डिस्टेंस कितना था, 3 मीटर था। ओके, एच के डॉलर में, डॉलर मतलब क्या हो जाएगा, एच के वेस्ट में कौन मिला मुझे वहां पे, जे मिल चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जे, इसका डायरेक्शन बता देते जे के हिसाब से, ये क्या रहेगा, साउथ ईस्ट रहने वाला है, साउथ ईस्ट तो मुझे यही पे दिख रहा है, साउथ ईस्ट मुझे यही भी दिख रहा है वहां पे। स्टिल अपन अगला भी क्वेश्चन देख लेते क्या है क्या नहीं, क्योंकि नॉन ऑफ दिस आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जे एफ, ठीक है भाई, ये वाला जे है जे और ये है एफ, देखो गाइस ये ऐसा वाला पूछा हुआ है यहां पे। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले मुझे बताओ ये कितना था, 3 और ये कितना था, 2। अब ट्रायंगल के एक साइड कितना आ रहा है यहां पे, बेस आ रहा है आपका वाला 5, ठीक है, और ये वाला साइड कितना था, जितना था जितना जी और एच के बीच का डिस्टेंस, चेक करो कि जी और एच जो था वो नॉर्थ में 6 था, दैट मींस ये भी 3 हो जाएगा और ये वाला तो 3 पहले से दिया हुआ होगा वहां पे। ओके, सो या फिर पता लगाओ कि ये कितना था और कितना नहीं था वहां पे। ओके, अगर स्टिल अगर मैं यहां पे 5 लेता हूं और ये वाला जो अपन 3 ले लेते वहां पे, तो ये भी आंसर निकल रहा है अपना वाला क्लियरली, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, वो हो जाएगा वहां पे सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ 34, या साउथ ईस्ट देख के भी आप डायरेक्टली वहां पे टिक कर सकते हो, अपनी अपनी मर्जी, बाकी तो साउथ ईस्ट वाला ऑप्शन मेरे पास में है ही नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट यहां पे कंडीशनल कोडिंग की बात करते हैं, कंडीशनल
चाइनीज कोडिंग भी इसको बहुत से लोग बोलते हैं वहां पे, ठीक है, जंबल कोडिंग भी बोल सकते हैं वहां पे, कैसे कैसे नहीं, चीजों को समझो, सारे के सारे कंडीशंस को अच्छे से पहचानो कि जब कभी भी यहाँ पे सामने में आपको एक तो नंबर रहेंगे, लेटर्स रहेंगे या सिंबल्स भी रह सकते हैं, व्हाट एवर इट में भी कुछ भी आने दो। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सबसे पहले हम ध्यान क्या पे देंगे, नंबर्स पे देने वाले हैं। नंबर किन किन चीजों का हो सकता है वहां पे, एक तो वो किसी लेटर का नंबर होगा, या फिर वो अपोजिट लेटर का नंबर होगा, या फिर प्रीसीडिंग या फॉलोइंग, या फिर जो भी नंबर ऑफ लेटर्स है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है, उससे रिलेटेड वो रह सकता है। सबसे पहले चेकआउट करो कि ये जो नंबर है ये किसी लेटर के है क्या। 20 नंबर किसका, किस लेटर का रहता है, टी का, इसको नहीं देखना, मैं हर बार बोल चुका हूं आप लोगों को। आप किसको देखने वाले हो, हाँ इसको देखो, ये नंबर किसका है, 8 नंबर एच का है, और एच बहुत कम जगह पे आता है, और फट से उधर देखो कि एच कौन से वर्ड में आया हुआ है, ऑनेस्ट में आया हुआ है। और मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ है कि बाजू में वैसे उसको लिखना, उसके अलावा होगा नहीं। और क्या है वो कोड वहां पे, एल जी ओ एट गो एट, ये आया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसा है, यहां 8 आया हुआ है और किसका है, वो एच का है, दैट मीन्स पहले लेटर का वो नंबर हो सकता है, ऐसा मैंने सोचा है सिर्फ। अब मैं सही सोच रहा हूं कि गलत सोच रहा हूं, किसी भी इसको अपन लेके दे सकते हैं, यहां देखो 8 यहां पे भी है, 8 तो वहां पे भी कोई एक एच वाला वर्ड है क्या सामने में, बिल्कुल है, हार्ड वाला। दूसरा कोई देख लो यहां पे, 23 तो दो है, इसको मत देखना, इसको देखो 19 को, एस को, कोई ना कोई तो भी यहां पे एस वाला होगा, देखो ये 23 वाले भी देखो, डब्ल्यू डब्ल्यू वाले दो वर्ड है वहां पे, दैट मीन्स नंबर किसका है, शुरुआत के लेटर का है। जब मैं नंबर निकालता हूं मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, ज्यादा रुकना नहीं है, मेंस का पार्ट है वहां पे। मुझे बताओ ये पहला लेटर कौन सा है, एफ, एफ का नंबर क्या होता है, सीरियली 6 होता है, डब्ल्यू का नंबर क्या होता है, 23 होता है, दोनों कहां दिया हुआ है, 6 23, यहाँ पे 9 23, यहाँ पे 23 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 23 9 9 23 9 22, एक ही ऑप्शन है, खत्म, सिंपल सिंपल। अब जरा ध्यान से देखना, अगर दो ऑप्शन रहते थे तो मैं लेटर के बारे में सोचता था, लेकिन एक मार्क तो ऐसे मिल गया ना मुझे, जितना मिल रहा है उतना ले लो पहले। अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का कोड तो अभी निकाला अपन ने, क्या था, गो एट, दोनों कहां दिया हुआ है, गो एट, यहां पे एक गो एट है और यहां पे एक गो एट है, ठीक है फाइन। अगला नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, स्पीक, स्पीक में एस का नंबर आता है 19, यहां पे भी 19 है, यहां पे भी 19 है, अब मुझे लेटर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लेटर की बात करता हूं, इधर ध्यान देना, ये जो ओ है, ठीक है ना, अब ये ओ जो है, लेटर का लॉजिक मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ आप लोगों को, कि लेटर जो है वो एक तो सेम टू सेम रहते हैं, नहीं तो एक तो अपोजिट रहते हैं, या फिर प्रीसीडिंग फॉलोइंग रहते हैं। यहां क्लियरली मुझे ओ दिख रहा है, सेम वाला, बाकी चीजों को सोचना नहीं, पहले जो दिख रहा है उसको पहले टैकल करो कि सेकेंड लेटर वैसा का वैसा हो सकता है, तो चेक करना कहीं जाके। अब थोड़ी देर पहले अपन ने ये बोला था कि ये एच का था, हार्ड वाला, इसका सेकेंड लेटर क्या है, ए, यहां देखो ए आया हुआ है, तुरंत टिक कर देना फिर उसको वहां पे। स्पीक का सेकेंड लेटर कौन सा है, पी, दैट मीन्स पी 19 आने वाला है, क्यू 19 नहीं आने वाला है, यह आंसर टिक कर दिया मैंने। तीसरा वाला भी अपन चाहे तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तीसरा लेटर कहां से आ रहा है, बट मैं चाहता हूं कि अगर आधा आधा क्वेश्चन सॉल्व करने से अगर पूरा मार्क मिल रहा होगा तो पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें हम वहां पे। चलो देख लेते हैं कि ये जो जी था आपका वाला पहला वाला जो लेटर दिख रहा है, ये जी सेम टू सेम है क्या ऊपर में, नहीं है। जी किसका अपोजिट होता है, टी का, कहीं टी दिख रहा है क्या आपको, ये देखो लास्ट में दिख रहा है, ये भी निकल गया, ऐसा भी ये निकल चुका है। सो चीजों को समझो, हालांकि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल मैं आपको करके बता दिया। और मुझे बताओ आर, आर का नंबर क्या होता है, पहला लेटर क्या है इसका, रिजल्ट का आर, आर का नंबर 18। अब 18 वाला ऑप्शन देखो कितने हैं अपने पास में, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, लेकिन सेकेंड लेटर क्या है उसका वाला, ई, तो मिडिल वाला लेटर कौन सा आने वाला है, ई आने वाला है, ये टिक कर दिया। ज्यादा सोचना नहीं, केस बेसिक को समझो और सामने निकलो। नेक्स्ट बोला हुआ है, इट इज नॉट ऑलवेज अजम्पशंस दिए हुए हैं, सेगमेंट अजम्पशन चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है, ध्यान से पढ़ो सेगमेंट को वहां पे। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट ओनली एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ पीओ, फाइन, ठीक है। उसने क्या बोला हुआ है कि हमेशा ही ये चीज ट्रू नहीं है, बोलते कौन सी, कि इंटेलिजेंट बंदे लगते हैं घर के पीओ, ठीक है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है वो भी लग जाता है, चलो फाइन ठीक है, मेहनत से रखता हूंगा वो चीजें जो भी है वो। ये जो बंदे ने बोला हुआ है ये क्या सोच के बोला है ये अपने को बताना है। उसने क्यों बोला ऐसा ये नहीं बताना, क्यों बोला मतलब आप उसका कॉज ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं करते हैं। उस बंदे ने क्या सोच के बोला होगा, अमित सर ने बोला होगा समझो ऐसा, तो वो क्या सोच के बोला हुआ है। अजम्पशन नंबर पहला, एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली बात है सही है कि इंटेलिजेंट पर्सन तो वो निकालते हैं
ये तो अपने को समझ में आ ही रहा है वहां पे, बट जो इंटेलिजेंट नहीं है वो भी कभी कभार निकाल लेते हैं. ओके, अ पर्सन हु इज नॉट इंटेलिजेंट कैन ऑल्सो क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. ये भी पार्ट सही है. क्यों सही हो रहा है? क्योंकि कैन ये वर्ड आया हुआ है पे, कभी कभार मस्ट आता है ये करके वहां पे, ठीक है ना. तो श्योर वाले स्टेटमेंट्स कभी भी आंसर में नहीं होते, पॉसिबिलिटी वाली चीजें हो सकती है आंसर में. तो यहां पे ये दोनों भी चीजें, बोथ द अजम्पशंस वन एंड टू फॉलोज, ये वाले पार्ट स्टिक होने वाला है. ओके, आरबीआई जरा ध्यान से पढ़ो ये क्वेश्चन गाइज, अच्छा क्वेश्चन है और हार्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोला जाएगा. आरबीआई विच हैज बीन अंडर इमेंस फ्रॉम बोथ द इंडस्ट्रीज एंड पॉलिसी मेकर टू ईज द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना. क्या बोलते हैं वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी को, वो क्या करो. ओके, सो फाइनली कट द रेट. अच्छा, आरबीआई ने उसको कट भी कर लिया है प्रेशर के अंदर आने के बाद, अंडर द इमेंस प्रेशर बोला हुआ है. आरबीआई ने कितने बेसिस पॉइंट से कम कर दिया, 25.25 से कम कर दिया, बोलते हैं वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी में के चेंजेस किए हुए ऐसा बोला हुआ है. किसमें किया एग्जैक्टली अपने को कुछ पता नहीं है. द कंसिस्टेंट फॉल इन इन्फ्लेशन, द गवर्नमेंट एफर्ट टू स्टिक टू इट्स फिस्कल टारगेट्स एंड द कंटिन्यूइंग फॉल इन द ग्लोबल कम्युनिटी प्राइसेस प्रॉम्प्टेड द आरबीआई टू कट द रेट टू बूस्ट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. इसके ऊपर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें वहां पे कि आरबीआई ने रेट ऑफ जो भी 0.25 बेसिस पॉइंट कम किए हुए वो किस चीज के लिए किए हुए, यहाँ पे रीजन क्लियरली दिया. It was also announced that any further easing would be contingent on the government's fiscal consolidation efforts and the inflation data. Fine, ठीक है, चलो देखा जाएगा. एक बार अपन ये देख लेते हैं, conclusions देख लेते हैं. Which of the following conclusions can be inferred? Statement conclusion बोल सकते हो आप इसको या drawing inference, ठीक है. अब पहला वाला part. By cutting the rate of rates, RBI can reach on the required GDP estimation rate. सही बात है. यहाँ पे इस देखो. ठीक है ना, ये क्वेश्चन और ये वाला पार्ट जो है वो एक ही है, उनका मीनिंग बोलने का मीनिंग है. सो दैट्स व्हाई ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली यहाँ पे सही होते जा रहा है. आरबीआई कैन चेंज द न्यू पॉलिसीज रेट्स एंड एफर्ट्स इन इंडिया. ऑब्वियसली बात है आरबीआई चेंज कर सकता है. और दूसरी चीज, कैन लिखा हुआ है, कैन वाले पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स तो हमेशा होते ही है आपके फाइनल आंसर में, तो ये वाला पार्ट भी सही हो जाएगा. इंडस्ट्री एंड पॉलिसी मेकर्स आर नेवर प्रेशराइज द गवर्नमेंट बॉडीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वो कभी प्रेशराइज नहीं करते, बोलते ऐसा होता नहीं है. देख लो ये पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा है वहां पे कि आरबीआई भी अंडर प्रेशर में था, बोलते वहां पे. तो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. इसका आंसर आ जाएगा आपका वाला ओनली ए एंड बी वहां पे. नेक्स्ट, लॉजिकल जो सेक्शन रहता है उसको छोड़ना नहीं. अगर आपको नहीं पता तो आप पढ़ लो एक बार, अच्छे से क्लासेस कर लो हमारे वाले जो भी है वो सारे लॉजिकल के. एंड ये आ गया आपके सामने कौन सा क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है लेकिन रहता कुछ भी नहीं है. मशीन इनपुट भी इसको बोल सकते हैं आप लोग, या कंडीशनल कोडिंग भी बोल सकते हो. सारे के सारे आपको जो भी जिस सेक्टर के लिए कंडीशंस दिए हुए यहाँ पे चेक करते रहना. अब यहाँ एक सर्कल के अंदर चार सेक्टर बनाए हुए हैं, उसमें भी दो सर्कल को मिला के एक नया सर्कल बनते जा रहा है वहां पे. मैं कभी भी इसकी तरफ ध्यान ही देता नहीं, मैं कभी भी इसकी तरफ ध्यान देता नहीं हूं. मैं मुझे करना क्या है, किसको सॉल्व करना है और कंडीशंस क्या है, बस हो गया. कंडीशनल कोडिंग में यही करना पड़ता है, गिवन डेटा को ज्यादा देखना नहीं है, कंडीशंस को समझो आंसर बन जाएगा. अब फॉर सेक्टर वन, अब बच्चे इसको देखते बैठते, ये सेक्टर वन इसका, ये इसका सेक्टर वन, वहां पे जाने दो ना उसको, यहां पे देखो और अपने को जिसके ऊपर करना है इंप्लीमेंट वो चेक करते जाओ. इफ द नंबर इन द फर्स्ट सर्कल इज एन ऑड, हमारा नंबर ऑड है क्या, है, मतलब हम अभी तक के कंडीशन सॉल्व करने वाले है, अप्लाई करने वाले है, देन अब रिजल्ट आ चुका है, अभी आपने को करना है. तो मैं अभी के लिए क्या करता हूं, एक सर्कल ले लेता हूं, उसके अंदर चार सेक्टर बना देता हूं क्योंकि दोनों का मिला के एक ही सर्कल बन रहा है वहां पे. देन स्क्वेयर ऑफ, ठीक है ना, देन राइट द स्क्वेयर ऑफ सम ऑफ, आपको पहले एडिशन करना है फिर स्क्वेयर करना है, सम ऑफ द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट सर्कल एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर इन द सेकंड सर्कल. ठीक है, फाइन, यहां पे सात है, सात प्लस आपको क्या पहले सम करना है, सी का प्लेस वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका वाला नंबर, तीन, सात और तीन दस, दस का स्क्वायर 100 आपको लिखना है. हो गया, जैसे पहली कंडीशन को सॉल्व किया वैसे चारों कंडीशन सॉल्व करो, मार्क्स मिल जाएंगे. क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है लेकिन वो रहता वैसा नहीं है. नेक्स्ट, फॉर सेक्टर टू, बच्चे छोड़ देते ऐसी चीजों को देखने के बाद में, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. फॉर सेक्टर टू, इफ द नंबर इन द फर्स्ट सर्कल इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जरा ध्यान देना, ये पहला सर्कल है, सेक्टर टू चल रहा है हमारा वाला, नंबर परफेक्ट स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है, यानी कि अब क्या करना है, देन राइट द लेटर्स ऑफ सेकंड सर्कल इन द रिजल्टेंट सर्कल. वहां पे सेकंड सर्कल का सेक्टर टू में लेटर कौन सा है आपका, एफ दिया हुआ है, मैंने एफ लिख दिया. उसके बाद में फॉर सेक्टर थ्री, इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर इन द सेकंड सर्कल एंड द नंबर इन द फर्स्ट सर्कल आर इवन,
इसका प्लेस वैल्यू देखो क्या है, 9, और ये वाला 29, ये इवन नंबर है क्या? नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अगर ऐसा रहता था तो हम वहां पे अप्लाई करने वाले थे इस कंडीशन को, तो थर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं होने वाली है। नेक्स्ट, फॉर सेक्टर 4, इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर इन सेकंड सर्कल इज इवन नंबर। अब मुझे बताओ, ये है अपना सेक्टर 4, ये इवन नंबर है क्या? टी का प्लेस वैल्यू 20, इवन नंबर है, ठीक है, तो चौथा कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा हमें। एंड द नंबर इन द फर्स्ट सर्कल इज एन ऑड, ये ऑड है क्या? बिल्कुल ऑड है वो भी। देन एड द 2, ठीक है ना, इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 20, ये कितना है? 81, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 101। अभी भी मेरा तीसरा सेक्टर खाली दिख रहा है। तो एक नोट दिया हुआ है कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, देन यू हैव टू राइट द डिजिट एंड लेटर एज इट इज इन द फर्स्ट सर्कल, जो फर्स्ट सेक्टर कौन सा अपना वाला? तीसरा है। कौन सा नंबर यहां पे क्या है? नंबर है, तो ये नंबर वैसे का वैसा लिख दो, ऐसा उसने बोला हुआ है फर्स्ट सर्कल का, सेकंड सर्कल के बारे में कुछ भी उसने बोला नहीं है। तो ये बन गया हमारा वाला सर्कल, यहाँ पे 100 F 29 और 101 दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? What is the sum of all the numbers obtained in the solution? सिर्फ नंबर को ऐड करो बोलते हैं, उसके प्लेस वैल्यू को ऐड मत करना वहां पे। तो 101 प्लस 29 130, 130 प्लस 100 230, मैंने ऐसा टिक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? What is the place value of the letter obtained in second sector? Second sector में कौन सा मिला था? Same अपना F आया था, और F का नंबर क्या आया था? 6 आया हुआ है। Okay, that's all. अगला, which of the following is the pair of numbers obtained in the first and third sector? कैसे आए थे वो numbers हमारे वाले? यहाँ पे 100 था, यहाँ 29 था, यहाँ पे F था, और यहाँ पे 101 था। तो पहला और तीसरे का आपको नंबर टिक करना है वहां पे, तो 100 आएगा, 29 आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है? वो सेकेंड ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन कैसा था? सिंपल होता है, ये बात याद रखो, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग द नंबर इन द फर्स्ट सेक्टर बाय 25। पहला सेक्टर का नंबर क्या था हमारा वाला? 100, 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो। बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं ना वहां पे मेंस के क्वेश्चन में, ऐसा सिर्फ क्या बोल सकते हैं, तो ये एक मिथ है, बहुत हार्ड रहता है, बहुत हार्ड रहता है वैसा वाला, बच्चे पढ़ते नहीं है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन को एक बार हाथ तो लगाओ, देखो फिर कैसे वो सॉल्व हो जाता है जल्द से जल्द। आप सब कर सकते हो, ये बात याद रखो। मशीन इनपुट आया हुआ है हमारे सामने, आप सबसे पहले क्या करते हो मशीन इनपुट में? हमेशा याद रखना, इनपुट को यहाँ पे देखो, उसके बाद में सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप के ऊपर आना है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो चेक करते रहना। सबसे पहले नंबर कितने हैं वो चेक करो, सारे के सारे नंबर, टोटल नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे कितने डिजिट्स है? नंबर से यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप में कितने नंबर से वहां पे, ये भी टोटल ठीक है, 4 है, जैसे कि ऐसे नंबर से वहां पे दिए हुए 8 के 8 नंबर है। फिर यहाँ पे देख रहा हूं मैं 76 को, और यहाँ देख रहा हूं 52 को, 152 को, 76 का डबल होता है 152। नेक्स्ट, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे यूनिट प्लेस देखो ना, 1 का 2, 9 का 8, 3 का 6, 7 का 4, ये डबल 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 है। अगर पहली इनपुट और पहली स्टेप में आपको लॉजिक मिल गया कि ये हो रहा है डबल, ये हो रहा है डबल, ठीक है, तो फट से अपने वाले जो गिवन डेटा रहता है ना उसको सॉल्व कर लो, रफ पेज के ऊपर आपका वाला जो इनपुट है वो उसको ले लो, और उसमें फट से पहले पहले डबल 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 कर लो, ठीक है। सबसे पहले बताओ, सो यहाँ पे 52 का डबल कितना होने वाला है गाइस? यहाँ पे 104 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, 36 का डबल कितना होने वाला है? 72 होने वाला है। उसके बाद में 69 मतलब 70 है, 70 का डबल 140, उसमें से 2 माइनस कर दो, 138 होने वाला है। 73 यहां पे देखो, 70 का डबल 140 प्लस 6 रहेगा, 146 रहने वाला है। इसको मैं एक बार वापस से लिख लेता हूं, ठीक है, 146। नेक्स्ट 57, 50 का डबल 100, 7 का डबल 14, 114 वहां पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 23 का डबल 46, ये भी सबको पता है, 41, 82 और 84, 168 आएगा। जैसा हमने डबल कर लिया, उसके बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप को ऑब्जर्व करना चाहूंगा, ओके। यहां से अब स्टेप 1 टू स्टेप 2 जा रहा हूं मैं। अब सभी लोग स्टेप 1 में कौन से नंबर थे वहां पे चेक करो। पहला नंबर था आपका वाला 152 और यहां पे था 182, और उसमें हुआ क्या है, देखो छोटा सा नंबर आया हुआ है, 60 आया हुआ है, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो भी डिफरेंस वगैरह हुआ होगा, ऐसा चेक करते रहना वहां पे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने आता है? 152, 182 का डिफरेंस कितना आता है? 30, और 30 का 7 क्या है वहां पे? डबल। यानी कि उसने पहले क्या किया, डिफरेंस किया, और उसका क्या कर दिया? डबल। पहला मिल गया, पहला लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, या आपको ऑब्जर्व करना है तो पहले आप ऑब्जर्व करो, अपनी अपनी मर्जी, सबकी मर्जी, ठीक है। अब यहां देखो 182, 158, ठीक है, इन दोनों का भी डिफरेंस गाइस चेक करो वहां पे, तो नियर अबाउट 120 के आसपास, 120 के ऊपर आता है,
पर 120 नहीं आता है. ओके, सो दैट मींस यहां पे अगर पहले इन दोनों का डिफरेंस किया हुआ है तो यहां पे कुछ ना कुछ तो भी यहां पे डिफरेंस करके ऐड या डिफरेंस करके सबट्रैक ऐसा कभी होता नहीं है. पहले वाले में डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2 था, नेक्स्ट अगेन इनका डिफरेंस निकालो 120 के आसपास है तो उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए था, 240 होना चाहिए था. अगर ऐसा नहीं हुआ है मतलब कुछ तो गड़बड़ है वहां पे. ठीक है, सबसे पहला वाला पार्ट में उसने क्या किया था, माइनस किया था और उसको बाद में क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था. अब मैं समझो, मैं इसको देख रहा हूं कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, जीरो, और यहां पे भी क्या है, जीरो है, यहां पे भी क्या है, जीरो है. तो मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूंगा. सबसे पहले तो 8 और 2 यहां पे 10 होने वाला है, ठीक है, और 18 और वहां पे 6 होने वाला है, 24, 240. तो 240 का उन्होंने क्या किया, यहां पे 120 कर दिया, मतलब क्या किया उसने वहां पे, हाफ. तो लॉजिक आपको मिल गया, लॉजिक क्या है यहां पे, प्लस करके डिवाइड बाय 2, मतलब पहला माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा ही चलेगा, वो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा ही होता है. और मल्टीप्लाई माइनस किया तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस किया तो डिवाइड बाय 2, ऐसा करना है. लगे तो मैं यहां पे आपके लिए लिख कर रख देता हूं, या मल्टीप्लाई बाय 2 या डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, और सेम चीज वहां पे भी अप्लाई करना है. एक लास्ट नंबर बचा हुआ है आप लोगों का यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. ओके, लेट्स गो गाइस, ये चीजें कर लेते हैं अभी वहां पे. तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर पहला वाला यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था और मल्टीप्लाई बाय 2 था तो पहला इधर भी सब्ट्रैक्टिव होगा और मल्टीप्लाई बाय 2 होने वाला है. तो बताओ यहाँ पे 104 में से 72 गया, 72 गया वहां पे, यहाँ पे 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, ठीक है, सिंपल सिंपल सा. और 10 में से 3 गया यहाँ पे, 10 में 7 गया, कितना बचेगा, 3. जब माइनस हुआ तो उसको प्लस 2 करना है. 62 का डबल कितना होने वाला है वहां पे, 32 का डबल कितने होने वाला है वहां पे, 64 होने वाला है. ओके, उसके बाद में ठीक है, अगला 72 और 138 वहां पे क्या करना है, अपने को ऐड करना है और उसके बाद में डिवाइड बाय 2 करना है वहां पे. ठीक है, तो 138 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 प्लस 70 वहां पे 210, और 210 का आधा करना मत भूलना वहां पे, 210 का आधा 105. ठीक है, यहां पे मैंने किया सब्ट्रैक्ट, यहां मैंने किया ऐड, अब मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट, बाद में करूंगा ऐड, यहां पे करूंगा सब्ट्रैक्ट, यहां करूंगा ऐड, और ये होगा वहां पे लास्ट में सब्ट्रैक्ट होने वाला है. ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला पार्ट, यहां पे मुझे क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है. 146 में से मुझे क्या 38 निकालना, वहां पे 8 आएगा और 8 का मुझे डबल करना मत भूलना वहां पे. नेक्स्ट क्या आएगा वहां पे, 16 आ गया. अब इन दोनों के लिए क्या करने वाला हूं, मैं ऐड करने वाला हूं सीधा सीधा, 146 प्लस 114 वहां पे, 146 प्लस 14 कितना होने वाला है, 60, और वो होगा 260 एंड 260 का वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा वहां पे, 130. ऐड किया तो डिवाइड बाय 2 करना मत भूलना. ओके, अब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होने वाला है वहां पे कि 114 में से आपको 46 निकालना है वहां पे. तो बताओ पहले आप 14 में से 6 निकालने वाले हो वहां पे, कितना बचेगा, 8 बचेगा, बोरो आएगा, और 11 में से 5 जाएंगे तो 6 आने वाला है. जब डिफरेंस किया तो उसका डबल करना मत भूलना. अभी क्या था अपन ने, 70 का डबल कितना होता है, 140, इसमें से अपने को ये 4 माइनस करना है तो 136 आने वाला है. ओके, नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये ऊपर के नंबर ऐड होने वाले, अभी ये डिफरेंस हुआ था अब ऐड होगा, 46 प्लस 82 कितना होने वाला है, 128. अगर कुछ प्लस हुआ तो उसका आधा करना मत भूलना, 128 का आधा कितना होता है गाइस, 64 होता है. और लास्ट में 82 168 में से जाने वाला है डिफरेंस, और डिफरेंस जैसे बोला तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना मत भूलना. ओके, सो 168 में से 82 गया, कितना आएगा वहां पे, 86 आने वाला है, और माइनस करने के बाद में अपने को उसका डबल करना मत भूलना, और 86 का डबल कितना हो जाएगा वहां पे, 172 होने वाला है. ओके, ये हो गई हमारे वाली नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 हो चुकी है. स्टेप नंबर 3 क्या कहती है गाइस अपने को, अब ऑब्जर्व करो, अब इससे और इससे ये नंबर मिल रहा है, किससे किससे, 60 और 216 से मुझे क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है. जब दो बड़े नंबर से एक छोटा नंबर मिलता है ना वहां पे, हमेशा याद रखो डिजिट्स का वहां पे कुछ ना कुछ तो एडिशन हुआ है. अब इस डिजिट का एडिशन, इस डिजिट का एडिशन, उनका मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, या इनके डिजिट का एडिशन, इनके डिजिट का एडिशन, और वो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. तो पहले मैं देखना चाहता हूं कि इन दोनों के एडिशन कितनी होती है, 6 प्लस 0 कितना होने वाला है, 6 होने वाला है, और यहां पे कितनी एडिशन है वहां पे, 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना, 9. तो 9 और 6 में ऐसा क्या करूंगा मैं, तो 15 मिलना चाहिए मुझे, सीधी सीधी बात है, डिजिट्स का एडिशन हो रहा है वहां पे. और वो भी कैसे हो रहा है, देखो पैटर्न गाइस, पहला तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा पांचवा, ऐसा ही जाना है. ओके, तो मुझे बताओ ये क्या होगा, पहला तीसरा, यहां पे 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17, यहां पे पहला नंबर मुझे मिल गया है. फिर उसके बाद में ये है और ये है, 5 प्लस 1 6, 0 का काउंट नहीं करना वहां पे, एंड 6 प्लस 4 यहां पे आ गया, 10 आ चुका है.
फिर तीसरा और पांचवा है, क्या हुआ वहां पे, तीसरा और पांचवा हुआ है। उसके बाद में जरा ध्यान से देखना, ये वाला कितना है, 1 + 6 = 7, ठीक है, 7 + 3 = 10, 10 + 7 ये आ गया 17 यहां पे। नेक्स्ट ये वाला, ये है 4 और ये था 10, यानी कि ये हो गया 14 आपका। उसके बाद में ये कितना था आपका एडिशन इन लोगों का, 10, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 10, मतलब ये एडिशन कितनी आ गई है, 20 आ चुकी है। अब यहाँ पे तो और आगे कोई नंबर है ही नहीं ना करने के लिए, तो इतना ही मिलेगा। और चेक करते रहना वहां पे, यहाँ मुझे मिले हुए कितने, 5 नंबर से, और यहाँ पे कितने नंबर से, 5, ये मतलब अपन सब सही जा रहे, सब सही जा रहे हैं वहां पे। अब लास्ट ढूंढो, ये 15 का हुआ 5, बच्चे बोलते डिवाइड बाय 3 किया, 7 का हुआ 7, बच्चे बोलते डिवाइड बाय 1 किया, नेक्स्ट 22 का हो गया 4, कैसे डिवाइड करोगे, कुछ नहीं है, मतलब जो सोचा था वो गलत हुआ। ओके, अब और सोचो वहां पे कि क्या हो सकता है, कि अगर मैं डिजिट्स की बात करता हूं, 5 और 1 = 6 होता है, एडिशन भी नहीं करना वहां पे, मल्टीप्लाई करके देखते वहां पे, 5 1 = 5, 7 1 = 7, 1 तो है ही नहीं बोलना वहां पे, 7 का 7 हो गया, 2 2 = 4, लॉजिक लग गया, ठीक है, डिजिट के साथ खेलते रहो गाइस, उसके अलावा चारा नहीं है, और सोचते रहो, फिर 7 1 = 7, 1 0 = 0, 7 1 = 7, 4 1 = 4, 2 2 = 0 वहां पे। ओके, यानी कि ये लास्ट स्टेप भी आ गए, एक बार लास्ट स्टेप आ गया, इसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा, मशीन इनपुट बस आपके लेगा 3 मिनट से 4 मिनट, लेने दो उसको, वो कंफर्म मार्क्स देने वाला है आपको, वो आपके मार्क्स कभी गलत नहीं करेगा, अगर आपका लॉजिक सब लगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। अब आपके क्या टाइम लगेगा इसको एडिशन करने के लिए, आप लोगों को 7 और 7 = 14, 14 + 4 = 18 हो गया, टिक कर दो वहां पे, नन ऑफ दीज पहला का आंसर वहां पे। अगला, बस मशीन इनपुट को अपने को देखना है, अपन ने जो किया है वो वाला, which element is second to the right of the one which is fourth from the left end in the step 2. अब step 2 के अंदर मुझे बताओ ये left है ये right है, मैंने पढ़ा हुआ है left right मतलब addition वहां पे, ये कितना है 4 और ये 6, step 2 में छठवा element निकालना आपने को कहां से, वो भी left end से, तो देखो यहां पे कौन है step 2 में, 1 2 3 4 5 6, 64 नंबर का element है ये, मैंने टिक कर दिया 64, ये 64 हो गया। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते गाइस, बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। What is the product of the number? Product निकालना है आपको, कौन से, second from the right end, third from the left end in the final step, ठीक है ना, चलो final step कौन सा था आपका वाला, ये वाला था, okay, second from the right end, कौन है ये वाला, 4, and third from the left end, आपको इनका product करना है, 7 4 = 8, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं पूरे के पूरे, 7 4 = 8, ठीक है ना, बताओ 28 पहला वाला ऑप्शन, सीधी सी बात है। और एक क्वेश्चन में ये, चलो 3 ही क्वेश्चन थे मशीन इनपुट के ऊपर, जनरली 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये बात याद रखो। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है गाइस, ए इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 34th फ्रॉम द राइट एंड, क्या बनेंगे बच्चे वहां पे, डायरेक्टली डायग्राम बनाते हैं, ठीक है आपके लिए मैं भी बना लेता हूं, हालांकि मैं डायग्राम वगैरह तो बनाता नहीं हूं, पर आपके लिए बना रहा हूं समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, If 11 persons are in between them, सीधी से बात है, मैं सब चीजें पढ़ा के रखा हूं आप लोगों को, कि बीच का नंबर 11 आ गया, मतलब कि ये कौन सा टाइप है, चौथा टाइप है, और उसमें भी कौन सा वाला नोट है, वो पहला नोट है, पहले नोट में मैंने बोला हुआ है कि कैपिटल टी का आंसर आएगा, कैनॉट बी डिटरमाइंड, टी मैक्स का वैल्यू क्या आएगा, एल प्लस आर प्लस है, और टी मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा गाइस, एल प्लस आर, माइनस है माइनस टू, आप लोगों को सब पता है, आपको निकालना क्या है, टी मीन निकालना है, मतलब क्या करोगे आप, ओरली एल प्लस आर माइनस है माइनस टू करना है वहां पे। सो करो 21 + 34 कितना होता है, फट से, या फिर आप कमेंट करते जाओ गाइस, अगर आप ऑनलाइन होंगे या लाइव होंगे वहां पे, तो सो सीधी सीधी बात है, हम लोग क्या करेंगे, 34 + 1 = 35, 35 + 20 वहां पे आएगा 55, 55 में से 11 गया, 44, 44 में से भी 2 गया, ठीक है ना, 42 वहां पे आंसर आने वाला है। ओरली आंसर करने की कोशिश करो, डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, बच्चे ऐसी डायग्राम बनाते हैं और जैसे टोटल पढ़ते ना, इन सब की टोटल कर देते हैं और बोलते हैं जबरदस्त पेपर गया, ऐसा होता नहीं है, पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट है वहां पे। लेट्स गो, क्या कहते हैं गाइस, कोडेड इनइक्वालिटी आपके सामने आया हुआ है, बहुत से बच्चे कोडेड इनइक्वालिटी को हाथ लगाते वक्त मैजिक बॉक्स भी सॉल्व करते हैं वहां पे, ड्रॉ करते हैं, आप मैजिक बॉक्स सॉल्व करो या ओरली करने की कोशिश करो, या फिर कुछ लिखना हो हिंट के लिए तो हिंट लिख के करो वहां पे, चलेगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर आना चाहिए। अब पहला वाला क्वेश्चन मीनिंग समझा करो वहां पे गाइज, एट द रेट का मतलब क्या दिया हुआ है, पी इज नाइदर, नाइदर में है, उल्टा है, रिवर्स रिवर्स नहीं बोल सकते उसको, वहां पे उल्टा बात किया हुआ उसने, कि छोटा भी नहीं और इक्वल भी नहीं, दैट मीन्स वो कौन सा सिंबल आ गया, बड़ा, ठीक है, तो आपके मैजिक बॉक्स में यहाँ पे ग्रेटर रहता है, आप यहाँ पे क्या पुट करते हो, एट द रेट पुट करते हो, ऐसे करो या ऐसे करो, बात तो एक ही है,
जैसे करना आपको वैसा कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। हैशटैग का मतलब क्या होता है, वो बड़ा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, मतलब वो छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट, छोटा भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है, मतलब वो इक्वल है, जल्दी जल्दी देखा करो उसको वहां पे, बाकी चीजें आप सोचने का नहीं वहां पे। बड़ा नहीं है मतलब के लेस देन और इक्वल, छोटा नहीं मतलब के वो एक तो बड़ा भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। मीनिंग निकल गए, एक बार मीनिंग निकल गया क्वेश्चन के ऊपर आ जाना सीधा सीधा। और पहले कंक्लूजन देखते हैं, इनक्वालिटी में मैंने पहले कितनी बार बोल चुका हूं मैं, मुझे जाना है कहां से, एल से लेके एन तक के जाना है। देखो गाइस, ये एल है और ये एन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एन से लेके एल तक के जाना चाहूंगा, कि यहां पे दिया हुआ एट द रेट, तो मैं क्या करता हूं पता है, बस एट द रेट वहां पे है, वहां पे पढ़ता हूं एट द रेट। एट द रेट मतलब क्या होता है, एट द रेट मतलब के ग्रेटर, डॉलर मतलब के इक्वल, ठीक है ना, परसेंटेज मतलब के लेस देन इक्वल। पहले आया ग्रेटर, उसके बाद आया लेस या लेस देन इक्वल, जो भी है जैसा अपोजिशन के जैसा कुछ दिख गया मुझे, मैं टिक कर देता हूं रॉन्ग, ज्यादा सोचना नहीं वहां पे, ओके। नेक्स्ट, के हैशटैग आर, यहां पे क्लियरली दिख रहा है मुझे कि के और आर के बीच में हैशटैग और परसेंटेज दिया हुआ है। हैशटैग का मतलब क्या होता है, लेस देन, और परसेंट का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल। लेस और लेस देन इक्वल में मतलब क्या होता है, पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो के विल बी हैशटैग, के ऑलवेज विल बी लेस देन आर, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, सही हो गया, ओके। नेक्स्ट, वी परसेंट आर, परसेंट का मतलब क्या होता है, कि वी जो है वो लेस देन इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो वी और आर के बीच में मेजोरिटी लेस देन इक्वल और इक्वल ही होना चाहिए वहां पे, ठीक है, कहीं भी ग्रेटर या लेस नहीं होना चाहिए उनके बीच में, वी से लेके आर तक के। कहां है आपका वाला, ये है वी से लेके आर तक, यहां तक पहुंचना है अपने को वहां पे। तो पहला कौन सा है, वहां पे डॉलर आया हुआ है, डॉलर का मतलब होता है इक्वल टू, चलो अच्छी बात है डॉलर आया है वहां पे इक्वल टू। उसके बाद में आपको परसेंट है, तो परसेंट चाहिए, वो तो होगा देखना भी नहीं उसके बाद में, लेकिन बाद में मैं देख रहा हूँ गाइस। हैशटैग, हैशटैग का मतलब होता है लेस, मैंने क्या बोला था कि लेस देन इक्वल चाहिए, तो बीच में लेस नहीं होना, और वो आ गया, वो गलत हो गया, ओरली देखना है उसको वहां पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली टू, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आने वाला है। नेक्स्ट गाइस, एम से लेके एन तक के मुझे जाना है, यही पिच है, यहाँ पे एम एन है, यहाँ पे एन एम है, और उल्टा है, तो क्या हैशटैग का उल्टा एट द रेट है, इतना सोचो वहां पे। हैशटैग का मतलब क्या होता है आपके इधर में, ये इसका उल्टा, ये ऊपर वाला एट द रेट है, क्या है, ये सही है, ज्यादा सोचो मत, सिर्फ आंसर टिक करने के, आंसर कैसे टिक करना है उसके बारे में सोचो, ओके। लेट्स लुक, यहाँ पे जेवी, ठीक है ना, देखो ये है जेवी आपका, दोनों में क्या है, एम्परसेंट एम्परसेंट है, ठीक है। तो कैसे क्या उनके बीच में हैशटैग आ सकता है, इतना तो सोचो कम से कम वहां पे। चलो एम्परसेंट का मतलब क्या होता है आपके इधर में, यहाँ पे एम्परसेंट है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, और हैशटैग का मतलब क्या होता है कि लेस देन, हो ही नहीं सकता वहां पे। ये आपका जे और ये आपका वी, इन दोनों के बीच में एम्परसेंट एम्परसेंट, ये कट गया, देखिए बराबर। नेक्स्ट, एल परसेंट वी, ये देखो गाइस कहा है अपना, एल परसेंट एन दिया हुआ है, ये उल्टा जाना है, ठीक है ना, ये उल्टा जाना है वहां पे। परसेंट का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल, कि एल जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए एन के हिसाब से, या फिर एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल एल होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल होने के लिए ये वाला साइन है, ग्रेटर देन इक्वल एम परसेंट वहां पे, कि एन और एल के बीच में वहां पे एक तो एम परसेंट आना चाहिए चाहिए, उसके साथ में इक्वल टू आया तो भी चलता है, और इक्वल टू मतलब कौन सा साइन है, यहाँ पे लेस है। और कैसे होगा, ये हैशटैग का मतलब होता है लेस देन, और उसके बाद में दिया हुआ एम परसेंट का मतलब होता है, कहा गया एम परसेंट, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये भी कट गया, ठीक है ना, सीधे से कट गया। इसका आंसर आएगा आपका वाला ओनली वन आएगा, देख के बराबर अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, ये वाला था अपना वाला लास्ट स्लाइड, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन सिलेक्ट मतलब समझ में आए होंगे वहां पे। लेकिन तो और एक बार अटेम्प्ट है आपके पास में पेपर देने के लिए, तो आप इस पेपर को और एक बार देके देखो गाइस, और फिर बताओ कि पेपर सिंपल लगा या हार्ड लगा वहां पे। चलिए गाइस, आज के लिए तक काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।